वाह, नीतू, नीति, सम्राट, वाह, ऑसम, सो मेनी, दिस इज ग्रेट. आई थॉट लॉट ऑफ यू आर जस्ट हियर टू लर्न, नॉट हियर टू अर्न. वेरी नाइस. अलका एज वेल, दिस इज ग्रेट, दिस इज ग्रेट, ऑसम. ओके, सो कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी वॉट इज द बिगेस्ट हर्डल अकॉर्डिंग टू यू टू अर्न मनी आउट ऑफ ग्राफोलॉजी? What is the biggest hurdle? What do you think is the biggest hurdle for you if you want to earn money out of graphology? Okay, NP says time. Okay. Nitesh, marketing. Okay. Convince. Varsha Vora says convince. Okay. What else? What else comes to your mind? Presenting. अच्छा, तो what is the easiest way? चलो ये तो बहुत मुश्किल मुश्किल चीज है. What is the easiest way to earn money out of graphology? Any one of you tell me. What is the easiest way? क्या सबसे आसान तरीका है graphology से पैसा कमाने का? आज हम लोग वही सीखने वाले. What is the easiest way to earn money out of graphology? Anyone who wants to speak, you can speak as well. Let me raise your hand. On the Zoom, and I will allow you to speak. What is it, according to you, what is the easiest way to earn money out of graphology? Anyone? Kalyan, Janvi, Ishan, Dimple, Davinder, Anjana, Alka. Okay, speak, speak. You know, कोई भी एग्जाम बोलो कि मैं बात करना चाहूँगा तो I will allow him to speak about it. Who wants to speak about it? आपको क्या लगता है? कौन सा आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका? ईशान बोला कंसल्टिंग. यू ट्राई टू डू कंसल्टिंग एंड लेट मी नो इफ यू आर अर्निंग आउट ऑफ इट. या इफ दैट इज द केस, इफ दैट इज नॉट द केस देन व्हाट इज द केस? इफ दैट इज नॉट द केस देन व्हाट इज द केस? मीनाक्षी सोइंग एग्जैक्ट नॉलेज. देखो अंजना के पास एग्जैक्ट नॉलेज है. फिर वर्षा वर्ग का कहना है लर्न, उनका कहना है लर्न, लर्न कर लोगे उसके बाद क्या? अलका जी का कहना है माय कॉन्फिडेंस. ओके, तो आप कॉन्फिडेंट बन गए, पैसा कमा रहे हो क्या? नो, सीधे देखो, फिर कॉन्फिडेंस तो नहीं है. सक्सेस इज इंटरप्रिटेशन. देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका एनालिसिस जो है ना करेक्ट है, एग्जैक्ट एनालिसिस होता है. वो पैसा आ रहा है क्या उनको? अंजना पैसा आ रहा है क्या उनको? अंजना का एनालिसिस बड़ा अच्छा है. वो आधा आधा पेज ऐसे लिख देती है, 10-15 पॉइंट बता देती है वो एक पॉइंट को देख के, बट पैसा आ रहा है क्या? नो. देखो अंजना बोलती है नो, अलका बोलती है नो. देन व्हाट, व्हाट इज द सीक्रेट? व्हाट इज द सीक्रेट अकॉर्डिंग टू यू? वो समबडी इज टॉकिंग. निशीद, नितीश धवन, सेल्फ इंप्रूवमेंट फर्स्ट, दैट इज द की गाइज. Unless and until you use this science to improve yourself, there is no money. Write it down. This is called as earn the right. Earn the right. Alka ji ko kuch puchna hai. Let me unmute. Ya Alka ji pucho. Nahin, confidence level hi to badhana hai. Wo uska matlab ye hai. Abhi low hai bahut. जब तक आप ये साइंस का यूज खुद पे यूज करके बदलते नहीं हो, तो दुनिया आप पे भरोसा रखने वाली नहीं है. दुनिया सब समझती है, मार्केट को पता है आप कितने लोगों को बेवकूफ बनाओगे. आप बेवकूफ नहीं बना सकते किसी को. मार्केट को पता है आपने यूज किया है कि नहीं किया है साइंस को. तो विदाउट चेंजिंग यूर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ साइंस, यू विल नॉट बी एबल टू अर्न मनी आउट ऑफ इट. ये वो सभी लोगों के लिए है जो मेरे को परेशान कर रहे हैं कि सर मैं कार्ड छपवा दूं, सर मैं कंसल्टेंसी चालू कर दूं, सर मेरे को हो गया कोर्स कंप्लीट कर दूं मैं. तो भैया कर दो, लेकिन पैसा तुमको तभी मिलेगा जिस दिन आप खुद के ऊपर वो साइंस यूज करके लाइफ को बदल देते हो. आपका खुद का क्यों मुझको इतना ज्यादा सक्सेस रेट है ग्राफोलॉजी में आज की डेट पे? क्योंकि मैंने मेरा लाइफ चेंज किया है.
मैंने मेरा लाइफ ग्राफोलॉजी का यूज करके देखो, मैं तो एक सादा सा इंसान था, सादा सा पुरुष, जहाँ पे मैं डरता था बॉस से बात करने के लिए, कुछ बड़ा काम करने के लिए, अनजान जगह जाने के लिए। लोगों के सामने जब खड़ा होता था ना, तो पैर ऐसे कपकपाते थे, पता है, मतलब पब्लिक को पता नहीं होता था कि मेरे जो पैर अपने आप में जो है वो ब्रेक डांस कर रहे, तो पैर का आवाज ऊपर से नीचे हो जाता था, वॉल्यूम इतनी बार ऊपर से नीचे हो जाता था कि उनको भी नहीं समझता कि ऑडियो में प्रॉब्लम है कि आदमी में प्रॉब्लम है। तो वहां से मैं यहां तक पहुंचा हूं, कैसे, हैंडराइटिंग को चेंज करके। इंग्लिश बोलने को नहीं होता था, अभी मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ कंसिस्टेंटली, 2 घंटा भी जब भी लेक्चर देता हूँ इंग्लिश में सिखाता हूँ। ये सभी चीजें मुझ में बदल हुई है ग्राफोलॉजी को यूज करके, मैं एक अच्छा आदमी बना हूं। बहुत ईगोस्टिक था, मैंने ईगो कम करवाया, बहुत ही इरेगुलर था, मैं रेगुलर हो गया, बहुत ही अनऑर्गेनाइज था, मैं ऑर्गेनाइज हो गया, कॉन्फिडेंस नहीं था तो कॉन्फिडेंट बन गया, रिस्क लेना चालू किया। ये सभी चीजें जब मैंने धीरे धीरे, उसको कितना साल लगा, मेरे पैसे से 6-7 साल लगा मुझको ये सब चीजें चेंज करने में। पर जब चेंज हुआ तो देखो अभी तो चांदी चांदी है यार, मतलब आज मैं बोलता हूँ लोग पैसे दे देते हैं, मैं बोलता हूँ बिजनेस हो जाता है, बड़े बड़े बिजनेस के सामने बैठता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। क्यों नहीं डरता पता है, बिकॉज एक्सपीरियंस साथ में, मैंने ये साइंस को यूज करके अनुभव किया है, तो मेरा अनुभव तो मेरे को शेयर करना है। आप में से कितने लोग बड़े आदमी के सामने खाना खाने के लिए डरेंगे, नहीं ना, सब लोग तो खा पाएंगे ना, हाथ बराबर जाएगा ना, आंखें बंद करेंगे तो हाथ इधर ही जाएगा। इस लेवल पे जब ये साइंस का प्रैक्टिस आपका चला जाएगा, तब आपको भी डर नहीं लगेगा। जितनी बार आपने खाना खाया उतनी बार ग्राफों का भी सोचोगे तो भी वो चीज आपकी अचीव हो जाएगी, जो मैं बोल रहा हूँ, यू विल बी एबल टू अर्न मोर मनी आउट ऑफ इट। अनु जी कुछ पूछ रही है, ओके, हाथ रेज करो ताकि ना मैं आपको ये कर पाऊँ, अनम्यूट कर पाओ और प्रश्न पूछ पाओ। अच्छा मैं सभी को एक काम करता हूँ, मैं यू ऑल कैन अनम्यूट, बट वंस यू अनम्यूट आफ्टर आस्किंग अ क्वेश्चन म्यूट योरसेल्फ, ओके, इफ एनीवन वांट्स टू आस्क समथिंग आस्क। यस नीलेश जी बोलिए, कुछ बोलना है आपको? नहीं नहीं सर, वो गलती थी। अच्छा ग्रेट, ओके, तो ये संदेश है आप सबके लिए कि खुद पे पहले यूज करो, खुद रिजल्ट लो, R&D करो, थोड़ा कॉन्फिडेंट बनो, अपने लाइफ को चेंज करो, जैसे कंसिस्टेंसी लाना, अपनी हेल्थ में इंप्रूव करना, अपने कॉन्फिडेंस में इंप्रूव करना, अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना। तो ये सब चीजें जब आप खुद के ऊपर ट्राई करोगे, खुद इंप्रूव हो जाओगे, तब कहीं जाके मार्केट भी आपको रिकग्नाइज करेगा आपके काम को और आपको वो सपोर्ट करेगा पैसे कमाने के लिए। ये बहुत लोगों ने मुझको पिछले हफ्ते में मैसेजेस डाले, इसके जवाब में मैंने बोला चलो लेट्स रिवील द सीक्रेट टू यू ऑल कि हाउ यू कैन अर्न मनी आउट ऑफ ग्राफोलॉजी। ओके, नाउ वी आर ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस एंड वी आर ओपन फॉर ऑल। या एक नीतीश जी को कुछ पूछना है। यस सर, मैंने एक दो वीडियो देखा है, तो उसमें सब मार्जिन्स के बारे में बता रहे हैं, पहला दूसरा वीडियो। Okay. मुझे तो थोड़ा सा हिट हो गया, नॉलेज हो गया ना कि ये मार्जिन साइज होता है, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि जब मैं राइटिंग सैंपल दूंगा जब आप मांगेंगे तो मेरा कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली मैं अलग से लिखूं? ओके, तो ऐसा नहीं होता है इतनी जल्दी। हाँ, इतनी जल्दी चेंज नहीं होता हैंडराइटिंग। आप ट्राई भी करोगे तो दिख जाएगा कि आपका जो मार्जिन है वापस बैक टू द पेज चला जाएगा, वैसे हो जाएगा जैसे आप हो। कुछ चीजें ना चेंज नहीं होती है इतनी इजी, मार्जिन उसमें से एक है। नहीं नहीं पूछो, बंदो कोई भी पढ़ते आएंगे तो आप एक डेढ़ पेज लिखोगे ना तो मार्जिन पकड़ में आ जाएगा, स्लांट पकड़ में आ जाएगा, प्रेशर पकड़ में आ जाएगा। उसमें आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते, मतलब वो सबकॉन्शियस ही स्पिल हो जाता है। अनुजी आपको तो यही करना है, आपको कोर्स कंप्लीट करना है, कोर्स कंप्लीट करेंगे तो उसमें सभी चीज़ें हैं, क्या क्या आपने करना चाहिए हैंडराइटिंग के साथ, क्या क्या चीज़ें आपने डालनी चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है आपके लिए, ठीक है। तो आज हम लोग फिर मार्जिन ये टॉपिक लेते हैं, सभी ना, सभी लोग नए नए स्टूडेंट, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट नए हैं अपने इस ग्रुप में, तो लेट्स अंडरस्टैंड द मार्जिन फर्स्ट। तो मार्जिन में आपको कुछ क्वेश्चन है या कुछ आपको अनुभव शेयर करना है मार्जिन का?
अच्छा दूसरी बात, अगर आपको ग्राफ्लोमी से पैसा कमाना ही है तो और क्या करना है आपको? और आपको ना इंटरनली बहुत क्लीन होना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफोलॉजी ना बहुत ही ये क्या डिवाइन साइंस है, बहुत ही मतलब ये ऑकल्ट साइंस की श्रेणी में आता है। तो अगर आपको सच में लगता है कि आपने ग्राफोलॉजी के बहुत अच्छे कंसल्टेंट बनना है, ग्राफोलॉजी से अपने पैसा कमाना है, तो इसमें इसमें शॉर्टकट काम नहीं करेगा। आपको आपके मन के भाव बड़े क्लीन रखने पड़ेंगे और आपको अपना इंटेंशन बड़ा क्लीन रखना पड़ेगा। सिर्फ पैसे के लिए करोगे तो फंस जाओगे, बार बार अटकोगे और आपका बिजनेस भी ग्रो नहीं होगा। आपको अगर ग्राफोलॉजी में सच में बड़ा बनना है तो सबसे पहला भाव आपके मन में आना चाहिए, वो आपका सर्विस का भाव। सर्विस का भाव मतलब क्या होता है कि आपने बाकी लोगों की जीवन में कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, बाकी लोगों की लाइफ में आपका आपका जो है वो इनपुट जाना चाहिए, बाकी लोग आपकी अपनी लाइफ के आपके कारण ग्रो करने चाहिए। तो ये जब जितने दिन आपके पास सर्विस का भाव रहेगा, डेडिकेशन रहेगा, उतने दिन आपको ग्रोथ होता है। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो ग्राफोलॉजी आपको मदद नहीं कर सकता है। योगा मेडिटेशन ये ग्राफोलॉजी को एज अ बिजनेस आपको अगर करना है तो योगा मेडिटेशन ये अविभाज्य घटक है इस चीज का, इसको आप भिन्न नहीं कर सकते, ये दोनों साथ में चलते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, योगा आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, तो आप कितना भी दमखम लगाओ आप ग्राफोलॉजी में बहुत बड़े स्तर पे नहीं पहुंच पाओगे, और बड़े स्तर पे पहुंचोगे तो भी आपके पर्सनल लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडीज को आप अट्रैक्ट कर लोगे। अगर ये चीजें बिना किए अगर आप ग्राफोलॉजी में ग्रो करना चाहते हो तो आपको आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रेजेडीज आ जाएंगी। तो ये वर्ड ऑफ कॉशन आप सभी के लिए जो बिजनेस करना चाहते हैं ग्राफोलॉजी का, कि आपने योगा मेडिटेशन हर रोज नित्य नियम से करना है, हर रोज करना है उसको बिना भूले, तब कहीं जाके इसमें आप पैसे भी कमा पाओगे और आपके पर्सनल लाइफ में भी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस समथिंग गाइस, आस्क मी समथिंग, दिस इज अ चांस, दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डिस्कस द कंसेप्ट व्हिच यू हैव बीन लर्निंग फ्रॉम द वीडियोस, और वही क्वेश्चन पूछो जो जिसका आपने वीडियो देखा हुआ है ना। स्पेशली आज अगर मार्जिन पे फोकस करते हैं, सभी लोग मार्जिन के बारे में बात करेंगे, ताकि जितने भी लोगों ने स्टार्ट किया है दे विल बी कंफर्टेबल विद। तो सबसे पहली बात मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, मेरा आंसर चाहिए, प्लीज आंसर मी, अनम्यूट करके आंसर दे सकते हो आप। तो ये पेज इज इक्वल टू व्हाट, पेज इज इक्वल टू क्या होता है, एक ब्लैंक पेज इज इक्वल टू क्या, 24 आवर्स, 24 घंटा। ठीक है, ये लेफ्ट साइड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड में क्या क्या आता है, पास्ट, पेरेंट्स, सोसाइटी, कंट्री, हाँ, रिलीजन, पास्ट, पेरेंट, कंट्री, रिलीजन, सोसाइटी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये लेफ्ट में आ गया, राइट में क्या आएगा, गोल, फ्यूचर, विजन, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज, रिस्क, फ्यूचर, चिल्ड्रन, रिस्क, चिल्ड्रन, गोल्स, कॉन्फिडेंस। देखो जिसका राइट मार्जिन ढंग से नहीं होता ना, वो कॉन्फिडेंस जो है वो लूज कर जाता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस में आ जाएगा, और क्या आएगा, और बॉटम मार्जिन किसके लिए होता है, हाँ, जो भी आप इधर पे ग्रैब करोगे अपॉर्चुनिटीज उसके एग्जीक्यूशन के लिए रहता है। ठीक है, टॉप मार्जिन किसके लिए रहता है, टॉप मार्जिन इज फॉर व्हाट, रिस्पेक्ट सर, सेल्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस, टॉप मार्जिन होता है रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड थिंग, ये यहां से इधर जाता है, ये जो है टॉप मार्जिन जो है ये यहां से इधर जाएगा, यहां से यहां पे जाएगा, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड थिंग्स, वेरी नाइस। अब हम क्या एक्चुअल सैंपल में इसको देखना चालू करते हैं, विल टेक सैंपल, अगर आपको किसी को पर्सनलाइज सैंपल करवाना है तो डाल दो ग्रुप पे, नहीं तो आई विल शेयर द sample from the facebook apne sir sample. I'm putting the sample on the group, one minute, ha dal do, analysis kar lenge sabhi ka, to dekho ek sample dala tha whatsapp ke par, wo ek bachcha matlab har 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 alphabet se pehle wo tick laga ke chal raha hai, matlab side mein maine dala bhi tha, anjana ji ne uska jawab bhi diya tha। अच्छा हाँ, वो क्या मेरे को मुझको भरोसा है कि काफ़ी सारे लोग जो है अपने ग्रुप में वो एडवांस है, अच्छा काम करते हैं, तो मैं फिर मैं सोचता हूँ कि उनको भी
उन्होंने वो चीज की तो ज्यादा बेहतर है। तो ये दो ग्रुप है अपने, एक मास्टरमाइंड और सीकर्स का ग्रुप है। तो आप शायद मास्टरमाइंड के ये ऐसे मत भेजो सैंपल्स, पूरे सैंपल्स भेजो हैंडराइटिंग के साथ, तो मजा आएगा। कौन से ग्रुप में डाला, मास्टरमाइंड ग्रुप में डाला आपने? हाँ सर, सर ग्राफोलॉजी सीकर्स में मैंने डाला है। शुभांगी चलेगा, चलेगा, दोनों देखते, दोनों देखते हैं। अरे भाई इसमें तो काफी अच्छे सैंपल आए, गुड, वेरी नाइस। ये अलका जी का खुद का सैंपल है, तो कौन बोलना चाहेगा? मार्जिन किस तरह का है इसमें? सर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट। ऑसम, ड्रिफ्टिंग राइट मार्जिन, ड्रिफ्टिंग लेफ्ट मार्जिन, ड्रिफ्टिंग लेफ्ट मार्जिन, मतलब ओरिजिन से थोड़ा दूर जा रही है। करेक्ट करेक्ट, ओरिजिन से थोड़ा दूर जा रही है। अलका जी आप हाँ ना बोलिए अगर आपको ग्रुप में, तो इफ यू कैन जी से यस और नो। हाँ जी मैंने ना दो डाले हैं, आप जरा चेक, एक महीने पहले का और अभी ये लिखा है दो दिन पहले। ओके तो अभी आप चेक कर रहे हैं? हाँ तो इसमें दोनों में चेक करके देखिए कि थोड़ा फर्क लग रहा है। हाँ देखेंगे ना, मतलब अभी क्या एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, अभी बेसिक ये अभी मतलब दो दिन पहले का है ये वाला, चलेगा। तो इसमें देखो उनका इनके कॉन्फिडेंस के बारे में क्या हो रहा है, इनका कॉन्फिडेंस इज इट ग्रोइंग और इज इट नॉट ग्रोइंग कॉन्फिडेंस? ग्रोइंग सर। एक पॉइंट और बताना चाहूंगी, ये शायद रिस्क मतलब वही रिस्क लेती है जहां इनको लगता है कि सक्सेसफुल होएगा। हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। ये क्या करती है ना, बहुत समय के बाद जब लास्ट मोमेंट पे आता है ना चीज, तब वो चीज को हाँ बोलती है। ये बहुत समय जाने देती है, सोचती है सोचती सोचती बहुत, हाँ उसके ऊपर काफी थिंक आउट करके तब ये वर्कआउट करती है, जिसकी वजह से काफी अपॉर्चुनिटीज मिस आउट करती है। वेरी गुड वेरी गुड, ये आपने अच्छा वर्ड यूज किया। क्या होता है यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी चली गई और लास्ट में जाके उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिस्क लेने की कोशिश की। इसमें भी देखो, इसमें भी कई सारी अपॉर्चुनिटी छूट रही, जैसे आ यहाँ पे आ लिख सकते थे, ठीक है, मी यहाँ पे लिखा जा सकता था, इट यहाँ पे लिखा जा सकता भी था, आ सकता था ऊपर वाली लाइन पे। हाँ वो तो मोस्ट द वर्ड आ सकते थे, बट शी डिडंट टुक इट। तो ये आइडियल सैंपल है। इस सैंपल को कौन सी कैटेगरी में डालेंगे हम लोग? विच इज द काइंड ऑफ सैंपल दिस इज, दिस इज किस तरह का सैंपल? लेफ्ट ऑफ ऑल साइड्स, या मार्जिन फ्रॉम ऑल द साइड। तो इसमें मेजर जो ये रहता है, प्रोमिनेंट जो एस्पेक्ट रहता है, उसका क्या रहता है प्रोमिनेंट एस्पेक्ट? मेजर मार्जिन, जब मार्जिन आप चारों तरफ से छोड़ देते हो तो सबसे बहुत पतला या बहुत मोटा, बहुत ही पतला या तो पतला या थोड़ा सा वेट ज्यादा मसल्स या फिर हां थोड़ा सा, या तो बहुत पतला हो जाएगा इंसान या थोड़ा सा ज्यादा ओवरवेट हो जाएगा, थोड़ा सा वेट ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अलका जी ऐसा हुआ है कुछ पिछले कुछ दिन में आपका वेट थोड़ा सा बढ़ गया है या आप पतले हो गए हो? नहीं पतले तो नहीं हूँ, थोड़ा वेट बढ़ा है। हाँ तो चलो हम थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट लैंग्वेज में यूज करेंगे, अपने खुद के स्टूडेंट है तो है ना सर। एक मिनट, एक ही जन बात की सर, मीनाक्षी बोल रहे हैं, हमने भी ग्राफोलॉजी सीकर्स में डाला है, प्लीज उसको देख लीजिएगा एक बार। हाँ देख लेंगे ना, एक ये सैंपल तो होने दो पहले। देखो यहाँ पे सिर्फ लर्निंग के हिसाब से हम लोग जा रहे हैं, पूरा फोकस जो होना चाहिए खुद के सैंपल से ज्यादा लर्निंग पे होना चाहिए। हो सकता है मैं आपके सैंपल को हाथ भी नहीं लगाऊं और इसी सैंपल को मैं आपको सब समझा दूं, ओके? तो ये बैलेंस लेके चलेंगे आज, तो ये फोर्स मत कर दीजिए, ओके ठीक है। अभी अलका जी आप कुछ बोले थे, प्लीज बोलिए। हाँ मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर कुछ गलत भी है तो कोई बात नहीं, सीखूंगी उससे कुछ, ऐसा नहीं है। कैसे है ना वो वेट का जो थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है ना लड़कियों के लिए, इसके लिए नहीं नहीं कोई बात नहीं। ओके तो आपका देखो आपका क्या हो रहा है ना, आपका जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है ना वो बहुत मिस आउट हो रही। तो इसका अभी मुझको ना हर एक आदमी एक एक इसका एनालिसिस दो, इसको क्या एक क्वेश्चन था। एक मिनट शुभांगी जी, अभी मैं ये अपन कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ज्यादा मिस हो रही है, ठीक है? यस। तो अभी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप सभी लोगों से, कि इसके बारे में अगर मेरे को इनके साथ बातचीत करना है, एक ही टॉपिक है ये कि अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, तो इसको मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, किस किस तरह से मैं इनको बता सकता हूँ, बोलिए एक एक कोई भी एक एनालिसिस दो अपना। सर नॉट टेकिंग रिस्क, ये हो गया, और दूसरा सर क्या बोलेंगे? एक्चुअली स्लांट जो है वो नहीं नहीं डोंट 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 इधर कोई नहीं, अभी सिर्फ एक ही टॉपिक, ओनली एक टॉपिक। ओके ओके, राइट मार्जिन की बात कर रहे हैं और राइट मार्जिन में ये इनका जो है मार्जिन छूट रहा है, खाली इसको बात करना है, बाकी कुछ नहीं बात करेंगे हम लोग, ठीक है? इसका एनालिसिस करना है। वेवी मार्जिन बन रहा है सर, वेवी है। नहीं देखो मेरा, मैं आपको ट्रेड बताता हूँ, ट्रेड अभी इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है? अभी ट्रेड में बंद कर दे इसको, स्टॉप शेयर किया। अभी ट्रेड है अलका जी का हैंडराइटिंग है, ट्रेड है कि उनका मार्जिन जो है वो छूट रहा है, राइट मार्जिन, ठीक है? वेवी राइट मार्जिन मिसिंग, राइट मार्जिन इज मिसिंग। वेवी एट नहीं है, वेवी तो नहीं है, छूट ही रहा है, लेट इट गो, वेवी भी नहीं कह सकते।
ग्रुप उनकी उस बाउंड्री के बाहर थिंकिंग नहीं जा पाती एंड बिकॉज ऑफ दिस थोड़ा सा फोर साइटेडनेस में कमी है. ओके गुड गुड वेरी नाइस संजीव संदीप जी मैं इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ लेकिन अच्छा है ये. और कोई थॉटफुल पर्सन नहीं ये नहीं बोल पाएंगे. ये तो बेसिक है ना. एक मिनट रुको मैं म्यूट करता हूँ सबको. आप जरा हाथ रेज करके बोलो बिकॉज नोबडी इज थिंकिंग इन द थॉट. ओके नाउ आप जरा बोलोगे तो मैं अनलॉक अनम्यूट करूंगा. अभी देखो नितीश जी को कुछ बोलना है. ओके नितीश जी बोलिए. सर मैं बोल रहा हूँ कि ये पर्सन डिसीजन लेने में बहुत टाइम लग रहा था. ओके ये एक अच्छा एनालिसिस है. पर्सन डिसीजन लेने में टाइम लगाता है. तो अलका जी को मैं अनम्यूट रखता हूँ. अलका जी आप कहाँ पे हो आप? और ज्यादातर उन्हीं लोगों को मैं चांस दूंगा जो लोग ना वीडियो ऑन रखेंगे उनका. ठीक है बिकॉज वी वॉन्ट हु इज स्पीकिंग. ठीक है तो यहाँ पे ये उन्होंने ये किया है. पहला एनालिसिस किया है कि डिसीजन लेने में वक्त लगता है. अलका जी ये सही है कि गलत है? हां जी सही है. ब्रेवो तो बहुत अच्छा एनालिसिस है. और दूसरा कोई एनालिसिस दो मुझको. बहुत अच्छा एनालिसिस. जिनका राइट मार्जिन छूटता है इन लोगों को डिसीजन लेने में वक्त लगता है. ये एनालिसिस लिख दो आप. ठीक है और कुछ नेक्स्ट? अभी अलका जी क्या मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ आप कभी भी बाहर जाते हो तो किसी एक इंसान को साथ में लेके जाते हो? नहीं ऐसा नहीं है. अकेला जाना प्रीफर नहीं करते. यू ऑलवेज अननोन प्लेसेस पे जब जाते हो अननोन प्लेसेस पे तो यू ऑलवेज टेक समबडी विद यू. एम आई राइट और रॉन्ग? हां जी. हां देखो एनालिसिस करेक्ट हो गया. अच्छा एनालिसिस है बुरा एनालिसिस है ऑल ऑफ यू? अच्छा एनालिसिस की बुरा एनालिसिस है कि जब मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ये अनजान जगह पे जाते हैं तो किसी इंसान को साथ में लेके जाते अकेला नहीं जाते. अब ये एनालिसिस अच्छा है कि बुरा है? इंप्रेसिव है गुड एनालिसिस. तो यही एनालिसिस आपसे मैं उम्मीद करता हूं. अच्छा नीतू जी को कुछ पूछना है? लेट मी अनम्यूट हर. या नीतू जी बोलिए. सर शी विल नॉट वांट टू डू समथिंग अननोन. शी वुड बी फियरफुल. या ऑफ कोर्स इसी को मैंने क्या किया इसी को मैंने थोड़ा मिर्च मसाला लगा दिया और बोला कि कभी भी आप अननोन जगह पे जाओगे तो किसी को अभी देखो अननोन मतलब क्या राइट मार्जिन फ्यूचर है देखा नहीं है तो अननोन जगह पे वो जा ही नहीं रहे ना. जब जाएगी तो कैसे जाएगी? किसी को साथ में लेके जाएगी क्योंकि उसका उनका खुद का कॉन्फिडेंस तो कम पड़ रहा है वहां पे तो किसी और का कॉन्फिडेंस लेके उधर जाएगी. तो एंड शी विल नॉट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी आल्सो. जो ये बेसिक हो गया. ये एनालिसिस तो सबको आता है. ठीक है सर मैंने वीडियो अभी देखा है मुझे बेसिक ही आता है. करेक्ट तो बेसिक तो अपने सबने बोल दिया. अभी पहले जैसे भी लोग बोलेंगे अभी बेसिक के आगे का एनालिसिस करने की कोशिश अभी करेंगे. सो जैसे सक्सेस रेट वुड बी आल्सो लेस. यस तो इनको क्या बोलेंगे कि आपकी लाइफ में कई जगह पे आप उतने सक्सेसफुल नहीं हुए जितना आप हो सकते थे. ओके यस अलका जी मैं राइट और रॉन्ग? हाँ जी. हाँ तो देखो एनालिसिस को ऐसा हमेशा ट्विस्ट करना है प्लेन नहीं बताना है. मैंने क्या ऐड कर दिया कि आप सक्सेसफुल हो सकते थे उतने नहीं हो पाए. तो ऑटोमेटिकली क्या इंसान जाके देख लेता है कि कौन कौन सी जगह पे वो सक्सेसफुल हो सकता था और वो बाद में कंफर्म करता है कि यस दिस इज द केस. वेरी नाइस. और क्या एनालिसिस? ये दो तीन एनालिसिस हो गए अपने पास. थर्ड फोर्थ एनालिसिस कौन करेगा? फोर्थ वन अच्छा भाल एसी भाल दीपक का कहना है कि ये कैसे आए कंक्लूजन पे. तो जब बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट ग्रैबिंग द राइट मार्जिन बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट टेकिंग द राइट मार्जिन बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट टेकिंग द रिस्क ही विल नॉट बी एबल टू यू नो बी एज सक्सेसफुल एज हिज पोटेंशियल. सर एक बार इसको मार्क करके समझाएंगे जैसे मेरी राइटिंग तो मतलब इधर
आगे को जा रही है, पर जो साइड का मार्जिन है वो बिल्कुल मतलब वर्ड के नीचे वर्ड है, वो एक बार समझाना है। यस यस, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट यू हैव रेज्ड, लेट मी मैं लिख के बता दूंगा आपको। पीछे सब ठीक है, पर वो जो राइटिंग वो आगे को जा रही है, बाकी जो है वो तो स्क्वायर में ही आता है अगर आप वैसे करेंगे। हाँ मैं बताता हूँ आपको, एक ही मिनट, अगर ये यहाँ पे ओपन होता है तो ठीक है, ठीक है, मैं इसमें ही सिखाता हूँ आपको, इसी कंप्यूटर पे डाउनलोड करके आई विल जस्ट मेक यू अवेयर कि क्या हो रहा है। ओके अभी ये जो है, ये मैं सैंपल तो ओपन कर दूंगा आप सबके लिए। इसमें देखो राइट मार्जिन देखा कैसे जाता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, काफी लोगों का शायद उसमें भी कन्फ्यूजन रहेगा कि हाउ टू चेक दी राइट मार्जिन। तो राइट मार्जिन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि राइट मार्जिन ऑक्यूपाई हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो भी समझाएंगे। और ये क्लास में क्या करेंगे, जो आगे का एनालिसिस है ना वो करेंगे, बेसिक तो सभी को आता है, सभी लोग कर ही सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करो, गलत हुआ तो चलता है लेकिन कुछ बोलो। अब देखो ये जो आपको सैंपल दिख रहा है ना, ये सैंपल में क्या हो रहा है, देखो ये राइट मार्जिन, ये राइट मार्जिन हो गया। हाउ टू चेक राइट मार्जिन, हमेशा आपको राइट मार्जिन चेक करते समय ये चेक करना है कि इनका जो नेक्स्ट लाइन का वर्ड है, जैसे हाई यहाँ पे लिखा है, ठीक है, अब ये हाई यहाँ पे इनका वर्ड स्पेसिंग एडजस्ट करने के बाद क्या मैं लिख सकता हूँ, दैट इज अ क्वेश्चन। कैन आई राइट दिस हाय आफ्टर एडजस्टिंग द वर्ड स्पेसिंग ओवर हियर, यस इट मींस दैट दिस पर्सन हैज नॉट ग्रैब्ड द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, दिस मस्ट मींस दिस पर्सन इज स्कैर्ड टू टेक द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे क्या क्या कैन आई राइट दिस आंसर बाय लिविंग द वर्ड स्पेसिंग ओवर हियर, मे बी और मे बी नॉट, तो इसको थोड़ा साइड में रख दो, लेकिन दस द पक्का, द तो यहाँ पे आराम से लिख सकते थे, अंडरस्टैंडिंग नहीं लिख सकते थे, तो मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे she has occupied the right margin, but here she has not. फिर यहाँ पे दानी, दानी लिख सकते थे, यहाँ पे thought नहीं लिख सकते थे, यहाँ पे and लिख सकते थे, यहाँ पे was लिख सकते थे, यहाँ पे it लिख सकते थे, यहाँ पे me लिख सकते थे, और यहाँ पे I भी लिख सकते थे। तो 80% of the time she has not grabbed the opportunity. Are you getting it? खाली 20% time ऐसा हुआ है कि she has grabbed the opportunity. Are you getting everybody? Let me repeat again for those who are not understanding. Whenever you are checking the right margin, what you need to check is, can the word of the first word of the next line can be written over here on the previous line? क्या मैं अपनी previous line पे अगली वाली line का पहला word लिख सकता हूँ क्या? अगर answer आता है हाँ, इसका मतलब this person has not grabbed the opportunity. तो यहाँ पे खाली उन्होंने ये जो है answer और शायद ये अंडरस्टैंडिंग, ये दो जगह पे ही वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है, और शायद थॉट, बाकी सब जगह पे उनका जो अपॉर्चुनिटी वो हाथ से चला गया है, ठीक है, यू अंडरस्टूड अलका जी, समझ गए आपको, और आप अनम्यूट ही रहो अलका जी, क्योंकि क्या आप, आपको आपका कर रहे हैं ना, तो आपका आंसर देना पड़ेगा बार बार, तो आपको समझ गया ना कैसे देखना है राइट मार्जिन। हां जी, इस तरह से हमेशा राइट मार्जिन को चेक करना है हमें। अब राइट मार्जिन में हमने पहला एनालिसिस किया था कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है, दूसरा एनालिसिस किया था कि सक्सेस रेट कम है, तीसरा एनालिसिस किया था डिसीजन लेने में वक्त लग जाता है, बहुत वक्त लग जाता है, और चौथा एनालिसिस किया था कि हमेशा कहीं पे अनजान जगह पे जाते हैं। देखो अभी ये जो ना अनजान जगह है, ये सब अनजान जगह है, अब अनजान जगह में वो खुद तो जा नहीं रहे, वो तो जब भी कहीं कभी जाएंगे वो किसी और का कॉन्फिडेंस लेके जाएगी। दैट इज व्हाई आई सेड कि व्हेनेवर शी इज ट्रैवलिंग, व्हेनेवर शी इज विजिटिंग टू अननोन, फॉर एग्जाम्पल अननोन दुकान में भी जाती है ना, तो किसी को साथ में लेके जाती है। Am I right or wrong? बिल्कुल सही है, फर्स्ट टाइम तो ऐसा ही है। देखो चाहे दूसरी बार अकेली चली जाओ, फर्स्ट टाइम तो होता है। देखो आदमी अभी हंस के बात कर रहा है, यही आपके एनालिसिस का ये अर्क है। जब आदमी खुश होता है, जब आदमी हंसता है, जब आदमी को रिलेट होता है आपका एनालिसिस, तब आपका एनालिसिस का जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है, ठीक है, ये एक अच्छा हो गया। और कोई बताएगा और क्या बता सकते हैं राइट मार्जिन देख के? और बताइए, वर्षा जी आपको ना स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा, वर्षा जी आपको
स्क्रीन में मैं जो शेयर कर रहा हूँ ना उसको देखना पड़ेगा, आपको शायद आप खुद दिख रहे हो या कोई और दिख रहा है ना, यू नीड टू चेंज इट इन योर सेटिंग, आपका जो सेटिंग है ना मोबाइल का उसमें, तो आपको बाकी सब जो पता चले। ओके, दे आर सेटिस्फाइड विद एनालिसिस, गुड पॉइंट इज वेरी नाइस। ओके, और क्या बोल पाएंगे उनको बोलो, राइट मार्जिन ऑक्यूपाई नहीं हो रहा है जिन जिन। अच्छा, सम्राट जी को कुछ कहना है? यस सम्राट जी बोलिए। या राइट मार्जिन ज्यादा होने के कारण शायद उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होते रहेगा। ये आप लेट हो गए, ये बहुत चार पॉइंट के पहले बोल चुके हम लोग ये बात। अच्छा, कॉन्फिडेंस का नया क्या, और क्या जो बाकी लोग नहीं सोच रहे वैसा क्या सोच सकते हो आप? जो कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो बंदा क्या क्या करता है, क्या हो सकता है उसके साथ? कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो क्या होता है? तो अपॉर्चुनिटीज आने के बाद भी वो ग्रैब नहीं करती है, छोड़ देती है। ये तो अभी बोला ना आपने, उसको वापस अलग तरह से बोल। सम्राट जी अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी अलका जी हाँ या ना में जवाब दो। हाँ जी। आप कभी भी बहुत ही अलग तरह का ड्रेस नहीं पहनती हो, जो भी आपने पहना है जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो वही ड्रेसेस आप ज्यादा कंफर्टेबल, मैं राइट और रॉन्ग? हाँ जी सही। देखो मजा आया, मजा आया। एक मिनट, संदीप जी को कुछ कहना है, शैलेश जी को कुछ करना है, एक ही मिनट, संदीप जी कहाँ पे? तो देखो सोचो ना, अगर किसी इंसान के पास कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो, शैलेश जी जरा हाथ ऊपर कीजिए तो मेरे को दिखेगा, काफी सारे लोग हैं ना यहाँ पे, तो अनम्यूट कर, मतलब आपको अलाउ कर पाऊंगा मैं। और जो नहीं बात कर रहे अपार्ट फ्रॉम अलका, कैन यू जस्ट म्यूट योरसेल्फ? और कौन है? एक मिनट, यस मीनाक्षी गोयल को कुछ पहना है, एक मिनट अनम्यूट कर रहा हूँ। संदीप जी हाथ ऊपर कीजिए ना, वहाँ पे एक रेज हैंड का ऑप्शन है, देखो वहाँ पे कर दो आपका अनम्यूट। यस मीनाक्षी जी बोलिए आप। हाँ सर, ये बताइए जो ड्रेस वाला ऑप्शन, जो ड्रेस वाला चीज बताइए आपने, ये आपने किस तरह से बताया? मतलब ओके ग्रेट, हां ठीक है। संदीप जी आपका क्या क्वेश्चन है, मैं आपको अनम्यूट कर चुका हूं, आपका कुछ क्वेश्चन था? क्वेश्चन नहीं था बट आई हैड अ पॉइंट कि कहते हैं इसका जो कम्युनिकेशन स्किल है उतना स्ट्रांग नहीं है। नहीं नहीं, ये गलत बात है। कम्युनिकेशन स्किल, ये बात बोलने से डरती है। हाँ, ये पॉइंट सही है कि ये अपने मन की बात मेरे दिमाग में, बट आई यूज द वर्ड कम्युनिकेशन स्किल करेक्ट। तो अलका जी को पूछते हैं, अलका जी कई बार आप अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुंचाते हो, इनएक्सप्रेसिव। अलका जी बोलिए कि जैसे हम, मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो उसके हिसाब से, मतलब जैसे अभी सब लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी मिस करी है वो, अगर एक हाउसवाइफ आती है वो करवाती है अपना, मतलब जैसे मैं हूँ। आप हाउसवाइफ हो? मैं बताता हूँ हाउसवाइफ है ना। हाँ। आपके पास समय होते हुए भी आप अपना जो सब्जी है उसको काट के नहीं रखती हो, दूसरे दिन पे ढकेल देती हो, आपके बर्तन ऐसे के वैसे रहते हैं। आप तो काम नहीं करती है, आप नहीं, जो भी है मतलब व्हाटएवर यू वर्क यू डू, आई डोंट नो व्हाट ऑल। आपके पास पढ़ाई करने का समय होते हुए भी आप टीवी सीरियल देखते बैठती थे, आप अपने बच्चों के साथ खेलना छोड़ के कुछ और ही करते रहते, मतलब किसी के साथ फोन पे बात करते रहते। मैं राइट और रॉन्ग? फोन पे तो नहीं, मैं फोन पे होती हूँ, मतलब हाँ, कुछ यार, और मतलब, हाँ, कुछ तो और, जो काम करने का है वो ना करना, मतलब अपॉर्चुनिटी कुछ, मतलब हाँ अगर काम है भी तो सोचती हूँ कि चलो थोड़ी देर बात कर लेती हूँ। करेक्ट, यही इसका मतलब होता है। कैसे रिलेट करेंगे सर? एक मिनट आपका, मैं एक एक क्वेश्चन एक एट अ टाइम लेता हूँ, आप दो मिनट रुक जाइए, मैं आपको इनका कर देता हूँ पहले। तो हाउसवाइफ का अपॉर्चुनिटी ग्रैब ना करने का मतलब क्या है कि वो चीज उस समय पे ना करना जिस समय पे वो करनी चाहिए। जैसे हो सकता है आपने, मतलब ये जैसे बना खाना पकाना है अभी, तो खाना लेट पका रहे हैं, बच्चों का पढ़ाई लेना है अभी, अभी अपॉर्चुनिटी अभी करना चाहिए, तो टीवी देख रहे हैं, है ना, सोने की जगह सोना छोड़ के कुछ और ही काम करते बैठ रहे। तो जहां पे जो काम होना चाहिए वो ग्रैब ना करते हो, कुछ और ही करना, मतलब अपॉर्चुनिटी को लूज कर, ठीक है? Okay. अभी संदीप जी आपने जो क्वेश्चन बोला था, प्रश्न बोला था, वो प्रश्न ये था कि क्या ये कम्युनिकेशन स्किल में वीक है? नहीं, इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, पर ये अपनी मन की बात दूसरों को बोलने के लिए बहुत डरती है। Am I right or wrong, अलका जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। ये उसका एनालिसिस है, वो राइट मार्जिन कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस का जो कॉम्बिनेशन है राइट मार्जिन का, वो है कि अपनी बात दूसरों से, दूसरे के पास पहुंचाने से वो डर जाएंगे, ठीक है? बहुत अच्छा, चीज के बारे में सब कुछ आता भी है, पता भी है, पर जब बोलना है बोल नहीं पाती। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एनालिसिस। ओके संदीप जी म्यूट चले जाएंगे। उसके आपके पहले मीनाक्षी जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये कहां से पता चला कि वो
नए अलग तरह के ड्रेस नहीं पहनते, नए अलग तरह के कलर्स भी यूज नहीं करते, am I right or wrong? बहुत, हाँ, ये कलर्स भी अलग तरह का नहीं यूज करना चाहते, क्यों? क्योंकि वे अनजान है. राइट मार्जिन को ना ऑक्यूपाई करने का मतलब होता है दिस पर्सन इज फियरफुल फ्रॉम ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स, न्यू ड्रेसेस, न्यू प्लेसेस, न्यू फ्रेंड्स. किसी से दोस्ती भी करनी है तो उनको कम से कम 4-5 बार मिलना पड़ता है, तब तक ये उससे दोस्ती भी नहीं करेंगे, अच्छे से बात भी नहीं करेंगे. Am I right or wrong? तो ये क्या सारा कुछ एक साइड मार्जिन से ही पता चलता है? हाँ, यही तो अपने अपने क्लास का मैजिक है कि आपको एक एक चीज पता चल गई, आप लोग उसकी पूरी कुंडली निकाल देंगे हम लोग. ओके, बाकी तो आप लोग जाएंगे ना अभी, बाकी तो अब तक एक अभी तो एक एक चीज को पकड़ के हम सिखा रहे हैं आपको कि कैसे सोचना है. आपको सामने वाले को अगर खुश करना है एनालिसिस में तो 10 चीजें नहीं ट्राई करनी. जिस चीज को वो हाँ बोलता है उस चीज को पकड़ के और डेप्थ में, और डेप्थ में, और डेप्थ में जाना है. तो क्या होता है, सामने वाला एक अगर उसने एक चीज को हाँ बोला है ना, आपने वो गाना सुना है कभी, आज सोमवार है, क्या सुना है कि नहीं वो गाना? तो जब चीज आदमी हाँ 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 7 चीज के लिए बोलते हैं ना, वो 8वीं चीज के लिए भी हाँ बोलते हैं. तो एक चीज को उसने हाँ बोला है ना तो उसको पकड़ के रखना है, उसको छोड़ना नहीं है, पकड़े रहना है. ये फेविकॉल का आर्ट देखा रहेगा आपने, छोड़ना नहीं पकड़े रहना, वैसा है काम. तो जिस पॉइंट को उसने हाँ बोला उसको पकड़ के और अंदर जाओ, और अंदर जाओ, और अंदर जाओ, तो आपका एनालिसिस अमेजिंग कहलाता है, सामने वाला खुश हो जाता है. इसलिए जब मेरे सामने कोई इंसान बैठता है ना तो मैं उसका चेहरा देख के मैं एनालिसिस करता हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे को एक एक चीज दिख जाता है उसके चेहरे पे, उस एक को चीज को ही मैं 10 चीजों में कन्वर्ट कर देता हूँ और उसको लगता है मैंने 10 अलग अलग चीजें बताई. नहीं, मैं चीज एक ही बता रहा हूँ, अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ. ठीक है, तो ये राइट मार्जिन हो गया. अच्छा, आपने मेरे हिसाब से हमने 6 या 7 एनालिसिस किए और 3 बाकी है. और क्या कह सकते हैं अलका जी को राइट मार्जिन देख के? बोलिए बोलिए, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए. गलत हो गया तो चलेगा, जैसे संदीप जी ने किया, वर्ड्स गलत हो गए, इंटेंशन सही था तो उनको अच्छा एनालिसिस मिल गया. और कौन है? शैलेश शर्मा, वन से का शैलेश शर्मा जी कुछ पूछना चाहते हैं. यस शैलेश जी पूछिए. शैलेश जी अनम्यूट करके पूछिए. अभी जो कुछ डिस्कशन जो एनालिसिस चल रहा था, लाइक दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोक्रास्टिनेशन? कैन वी? नहीं नहीं, ओनली देखो अभी एकदम ये इनसिक्योरिटी से रिलेटेड है ये. ओके, ये जो है, ये चीज जो है खाली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ एबिलिटी टू रिस्क, सिर्फ राइट मार्जिन की बात कर रहे हैं, बाकी कोई और एट्रीब्यूट इसको नहीं अटैच करेंगे आज. ओके, हाँ, बाद में जैसे जैसे हम दूसरे दूसरे चीजों पर जाएंगे वो एट्रीब्यूट अगर रहेगा तो उसको भी हम लोग एनालिसिस करेंगे. अभी तो खाली राइट मार्जिन. राइट, ओके, तो हमने 7 पॉइंट बताया आपने को. ये इज इट गुड? 7 पॉइंट अभी तक हो गए और 3 करेंगे हम लोग. और 7 पॉइंट कम है कि ज्यादा है, अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है. अच्छा, वेरी नाइस. तो ऐसे तो आप कितना पॉइंट निकाल पाओगे? सोचो 23 लेटर्स है, हर एक के 7 पॉइंट निकालते हो तो कितना बड़ा एनालिसिस होता है. अच्छा, और किसी का कहना है और एनालिसिस? ओके, संदीप जी को वापस से कुछ कहना है. लेट मी अनम्यूट हिम अगेन. संदीप जी कहाँ पे हो? Can you just raise your hand? It will be easy for me to. Yeah, Sandeep. और क्या आपके मन में आता है, बोलिए. हाँ सर, कहते हैं intuition आता होगा, but थोड़ा सा negative intuition आता होगा मैम. ये देखो, ये अभी इससे related नहीं है ये चीज. ठीक है, right margins और intuition का कुछ संबंध नहीं है. ठीक है, okay. हाँ, मतलब right margin सिर्फ अपन confidence से, अपना thought process क्या होना चाहिए. आप भले ही एस्ट्रोलॉजर हो, आप चले न्यूमरोलॉजिस्ट हो, आपसे वो अलग फील्ड हो गया, अलग तरह का एनालिसिस हो गया. यहाँ पे एक ही चीज पकड़ के चलो कि अगर कॉन्फिडेंस नहीं है इंसान में तो इंसान और क्या क्या बर्ताव करेगा, बिहेवियर करेगा. शॉर्ट टेम्पर? नहीं नहीं, शॉर्ट टेम्पर नहीं. देखो अभी क्या होता है, ये जब ये इनके घर में जब अनजान लोग आते हैं तो ये चाहती है कि कम बात करे या ना बात करे, कैसे भी करके वो बला टल जाए, मतलब खाने पीने बना बना के दे दे या जो भी है वो हो जाए. पर बातचीत में इनका इनका जो ये है ना तरीका है वो बड़ा संभल के बातचीत करने का होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा संभल के, इंस्टेड ऑफ कंफर्ट. एम आई राइट और रॉन्ग? अलका जी आप हो कि नहीं हो? हाँ जी, ठीक है, करेक्ट एनालिसिस. हाँ, सारी चीजें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि लोगों से घुलना मिलना थोड़ा कम है, अनजान लोगों से, अनजान लोगों से. जान पहचान वालों, जान पहचान वालों से तो कितना बात करते हो ना, वो तो हमको पता है. बहुत मजा भी आता है आपको बात करने में उनके साथ, वो अलग बात होगी. पर अनजान लोगों के साथ,
अनजान जगहों के साथ, अनजान चीजों के साथ, अनजान इवेंट के साथ, है ना? तो हो सकता है ये कई बार अवॉइड करती है किसी इनविटेशन में जाने के लिए, मतलब अगर पॉसिबल है तो शी विल नॉट गो, एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ जी, ये देखो मतलब किसी ने बर्थडे को इनवाइट कर दिया, कल परसों मिले तो वो बोलेंगे छोड़ दे आज नहीं जाएंगे, एक साल बाद जब उनकी पहचान हो जाती है, अच्छी हो जाती है, फिर वो जाते हैं खुशी खुशी, आज तो नहीं जाएंगे। ये सर नो, देखो और क्या हो सकता है, अभी देखो आठ आठ नौ हो गए, अभी तक नौ हो गए, और क्या बोल सकते हैं? मतलब एक्सेप्टेंस की मतलब कमी है, मतलब किसी चीज को भी मतलब अपनाने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, आपको तो एक्सेप्टेंस की कमी है, आपने किसी चीज को एक्सेप्ट करने में आपको वक्त लग जाता है। हाँ। चलो दस हो गए, ये भी एक अच्छा एनालिसिस हो गया। तो देखो हमने एक ट्रेड से दस एनालिसिस लिए, अभी हम लोग सैंपल नंबर टू निकालेंगे, अभी इनका सैंपल नहीं करेंगे, वी विल एनालाइज समबडीज एल्स सैंपल। अब हम अपने ही ग्रुप में से किसी और इंसान का लेंगे, किसी का पर्सनल सैंपल डाला है? शुभांगी आपका पर्सनल सैंपल है? एक मिनट, किसी ने पर्सनल सैंपल डाला है? I forwarded my who is this? Shailesh. Shailesh जी आपका इसमें रहेगा, graphology seekers में रहेगा ना आपका सैंपल? हाँ, मैं देखता हूँ कौन सा ग्रुप में है। नहीं, हाँ तो हमारे पास दो ग्रुप है, जो मास्टरमाइंड ग्रुप है, इन लोगों ने मेरे सभी कोर्सेज किए, वो ग्रुप अलग है, और ये जो है अपना सीकर्स, वो उन्होंने खाली ग्राफोलॉजी किया, वो ग्रुप अलग है। ओके, ऑनलाइन ग्राफोलॉजी सीकर्स पे है, सीकर्स पे ना, देखिए एक मिनट रुकता हूं, देखता हूं। शुभांगी का है, अलका जी का है, फिर ए सी भाल दीपक जी का है, मीनाक्षी का है, ममता जी का है, नहीं आपका नहीं दिख रहा है रिसेंट में, भेजा है मैंने, डाउनलोड नहीं हुआ होगा। ओके, मीनाक्षी जी का है ना, उनके बाद में है, ममता जी का है, मीनाक्षी बात को आपका है क्या? ममता मतलब आपका है? अच्छा, ममता के नाम से, ममता, हां ममता के नाम पे, सो सॉरी, हमारा क्या, ओके, हमारा सब चीजें जो है ना वो ऑटोमेटेड है, लेकिन आपका ब्लैंक पेपर पे नहीं है, हमको ब्लैंक पेपर वाला चाहिए, हमको ब्लैंक, अभी हम लोग खाली मार्जिन कर रहे हैं। ओके ओके, तो मार्जिन में वी आर गोइंग टू डिस्कस लेफ्ट मार्जिन नाउ, तो जिनका भी ब्लैंक पेपर है ना उसको कंसीडर करना। एक मिनट, मास्टरमाइंड में किसी ने, मास्टरमाइंड में किसी का नहीं है, ठीक है। अच्छा भाल दीपक जी, आपका सैंपल जो है वो आपका खुद का है, उसमें भी लेफ्ट मार्जिन गया हुआ है, उसमें लेफ्ट मार्जिन नहीं दिख रहा है हमको, तो उसको भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। देखो मजबूर हूँ मुझको, फिर नहीं तो अलका जी का ही सैंपल लेना पड़ेगा, लैक ऑफ सैंपल। अच्छा तो पिछले कुछ दिनों में आपका वेट बढ़ा है क्या अलका जी? पिछले कुछ दिनों में वेट बढ़ा है क्या थोड़ा सा ज्यादा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो आपके दोनों सैंपल के डिफरेंस में मेरे को पता चल गया, मैं बताऊंगा आपको। मैंने दो डाले ना, मेरा एक महीने मतलब जैसे अभी थोड़ा कर रही हूँ सीखने को, तो पहले ही लिखा था, फिर बाद में मैंने इसी में डाला। अब देखो अगर आप ये सैंपल को कंपेयर करते हो ना, तो ये सैंपल में क्या हो रहा है, देखो ये सैंपल में वो ज्यादा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं कंपेयर टू दिस, इसमें और इसमें फर्क देखो आप दोनों, इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ गया है ना, इसमें बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ गया है कंपेयर टू दिस, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? मेरा दूसरा वाला, ये वाला, ये आपका है ना, ये पुराना है और ये नया है। हाँ जी, पुराने में क्या हो गया, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ गया पुराने से कंपेयर में, तो क्या हो गया, दोनों के डिफरेंस में आपका वेट जो है इनसिक्योरिटी का वो बढ़ चुका है, ठीक है। मतलब इनसिक्योरिटी बढ़ी है कि कम हुई है इस वाले में? बढ़ी हुई है, इसमें ज्यादा बढ़ गई है, इसमें ये सैंपल में आप बढ़ गए इनसिक्योरिटी कंपेयर टू दिस, इसमें ठीक था, इसमें अच्छा नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो अभी और कौन सा है अपने पास ब्लैंक पेपर? शुभांगी जी आपका खुद का है क्या? एक मिनट रुकिए, चार्ट में कोई बोल रहा है क्या? शुभांग जी आपका खुद का है, तो आपका इसके सिग्नेचर कहाँ पे? सिग्नेचर नहीं है, सिग्नेचर नहीं किया था क्या आपने? तो देखो अभी राइट मार्जिन है, अभी अपन लेफ्ट मार्जिन के बारे में बात करेंगे, तो ये लेफ्ट मार्जिन किस तरह का मार्जिन है? लेफ्ट मार्जिन ये सैंपल में, लेट्स टॉक अबाउट द लेफ्ट मार्जिन, ओनली एंड ओनली लेफ्ट मार्जिन। मैं वापस से सबको अनम्यूट करता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिए, एक दूसरे को बात करने का मौका दीजिए, थोड़ा क्या होता है, एवरीबडी विल लर्न मोर, है ना, पेशेंस रख के सबको भी बात करेंगे ना, तो इट विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल थिंग। ओके, तो जिसको अनम्यूट करना अनम्यूट करिए, पेशेंटली बात कीजिए और बताइए आपको क्या कहना है लेफ्ट मार्जिन के बारे में। सर ये
कहते हैं पहले तो घर वालों से अटैच रहे या फिर चीजों से अटैच रहे, अपने फ्रेंड्स से, अपने विलेज। हाँ, कौन बात कर रहे हैं, नाम बताएंगे? संदीप, संदीप, संदीप। हाँ, संदीप जी, पहली बात तो आपको ट्रेट एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या दिख रहा है आपको, है ना, उसके बाद आपका एनालिसिस आएगा। तो आपको क्या दिख रहा है इसमें? हाँ सर, लेफ्ट लेफ्ट मार्जिन में पहले से टाइप क्या है, टाइप क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द लेफ्ट मार्जिन? दिस इज वेवी, वेवी, आई डाउट, आई डाउट इट इज वेवी। कॉनकेव, कॉनकेव या वेवी सर? अभी देखो आपका ये लेफ्ट नैरो मार्जिन। हाँ, वन से। हाँ, इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि ये फोटो जब निकाला है आपके हाथ में तो सैंपल है नहीं, तो आपको इसमें ये प्रिंसिपल जो यूज करना है वो प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस यूज करना है कि शायद ये फोटो निकालते समय जो पेज था वो स्ट्रेटिश नहीं था, इसलिए थोड़ा बेंड हो गया, इसके वजह से आपको ये वेवी लग रहा है। शायद वेवी ना होने के या कॉनकेव ना होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। शुभांगी जी, किस तरह का मार्जिन है, स्ट्रेटिश है ये कॉनकेव है? एग्जैक्टली, अ लिटिल कॉनकेव। अच्छा, तो ये कॉनकेव मार्जिन में आ जाएगा, ठीक है, ये इस तरह का कॉनकेव मार्जिन में आता है, ठीक है। ये एक टाइप नहीं है, दो टाइप का मार्जिन आएगा, एक कॉनकेव हो गया और दूसरा मार्जिन कौन सा हो गया? और थोड़ा सा वीवी भी आएगा अगर ये कॉनक्यू यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे बाहर भी जा रहा है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे कॉनक्यू हो रहा है तो यहाँ से बाहर भी जा रहा है, कॉन्वेक्स कॉनक्यू दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो ये वीवी में चला जाएगा, वीवी लेफ्ट मार्जिन में ये मिक्स हो जाएगा। तो ये मार्जिन का दो दो कैटेगरी में डिविजन हो रहा है अभी इस मोमेंट पे। वन है, एक तो है वीवी मार्जिन और दूसरा है नैरो लेफ्ट मार्जिन। तो एक एक करके आप सिर्फ इसी चीज का एनालिसिस अपने को देना है, वीवी मार्जिन एंड नैरो मार्जिन। ओके, लेट्स स्टार्ट, एक एक जन बोलिए। वर्षा जी, यू कैन आस्क क्वेश्चन राइट नाउ, अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। यस, आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग ओनली एनीथिंग। आप आपने लेक्चर देखे है क्या, वीडियोस देखे बाय एनी चांस? नो, मार्जिन यू हैव। हां, तो अब ये पहला लेक्चर है हमारा मार्जिन का, तो आपको थोड़ा वो देखना पड़ेगा। ये जो है ना, ये डिस्कशन सेशन है जहाँ पे हम लोग आपकी पढ़ाई में वैल्यू ऐड करते हैं, आपको और ज्यादा सिखाते हैं उसको लेके। okay. पढ़ाई आपको उसमें से करनी है। And I couldn't see video also, like, no, screen देखे नहीं रहा था। अब तो अच्छा, ठीक है, not an issue. अभी तो दिख रहा है? Yeah, now I can see. तो आप वीडियो देख लीजिए, अगले अगले लेक्चर में आप आएंगे ना तो आपको सब कनेक्ट हो जाएगा। इसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आज का भी वीडियो, तो ये वीडियो भी इसमें भी आपको फिर कनेक्ट हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू, यू नीड टू वॉच द वीडियोस एंड कम देयर, बिकॉज़ उसके सिवा आपको समझेगा नहीं, और आप जिस तरह का एनालिसिस करोगे, जिस तरह का बातचीत करोगे, उससे मेरे को समझ जाएगा कि आपने वीडियो नहीं देखे हुए। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड एंड डिस्कस द टू मार्जिन्स, नैरो लेफ्ट मार्जिन एंड वेवी लेफ्ट मार्जिन, का कॉम्बिनेशन क्या होगा, चलो जल्दी फटाक से। उसके पहले शुभांगी जी, आप करते क्या हो, कैन यू जस्ट एनलाइटन अस व्हाट यू डू? बेसिकली अ हाउसवाइफ, आई एम आल्सो ऑसम हाउसवाइफ, एनालिसिस, I do analysis also on graphology. Great, okay. आप housewife के लिए बड़ा difficult, अलग तरह का आपका ये handwriting है। आप तो एक शांति से बैठ नहीं पाते हो ऐसे handwriting में, तो housewife मतलब कैसे, कुछ काम ही करने की इच्छा होगी ना बार बार आपकी। You will like to do something. Yes. Difficult for you to sit down. Yeah. Yeah. ठीक है। So now what about left, narrow left margin and baby left margin? चलो एक एक करके analysis बोलो। Narrow. Narrow left margin means the person is connected to past or loves to remember the past or always in the past activities. Okay, तो अभी अगर मैं शुभांगी हूँ, तो आप मुझको क्या बोलोगे, क्या analysis करोगे? आपको पता है शुभांगी जी housewife है। हाँ। आपने देख लिया उनका narrow left margin है, baby left margin, तो आपका analysis क्या होना चाहिए उनके लिए? So can I say? Let him speak first. Okay. उनके लिए एनालिसिस ये हो सकता है कि लाइक ज्यादातर उनके साथ जो हुआ है पर्सनल लेवल पे या फैमिली में, वो पास्ट से सब रेफरेंस लेके आज का काम करने की कोशिश करती है या खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करती है। ओके, तो शैले जी का कहना ऐसा है कि पास्ट से आप अटैच हो और पास्ट की जो मेमोरीज है, पास्ट की जो चीजें, वो आपको याद आती रहती है और आप उनको संभाल के रखते हो। राइट और रॉन्ग? Yes. Can I add on to this something? Maybe iska link to my parents se ho. Yes, it's parents se. Correct. My right. So, aap apne parents se zyada baat karte ho, parents se attach hote ho, connection mein rehte ho, phone call karte ho. Am I right or wrong? Yeah. So, chalo, very nice. Shelly ji, aapka analysis correct hai, jo aapne bola. Very nice, very good.
ओके एनालिस्ट नंबर टू और कोई बोलना चाहेगा? यस संदीप जी, संदीप जी बोलना चाहते? सर मैं ये कह रहा था कि स्टार्टिंग में नैरो था, फिर बीच में कहते हैं गैप आया है। संदीप जी पहले बेसिक एनालिसिस कर ले, फिर इसको डिप में लेके जाएंगे। श्योर श्योर श्योर, बेसिक करो, बेसिक 10 कर लेते फिर और डिप में जाएंगे हम लोग। सर मैं बोलूं? हां बोलिए ना। कॉनकेव है इसके लिए, कॉनकेव है इसके लिए बोलूं? नहीं अभी उनका वेवी में आता है, क्योंकि एक जगह पे अंदर जा रहा है, एक जगह पे बाहर भी जा रहा है। अच्छा। एक जगह पे अंदर जा रहा है, एक जगह पे बाहर भी जा रहा है, तो वेवी में जाएगा। सर मैं बोलूं? सर ऐसा हो सकता है कि, हां बोलिए, वो पहले घर पे काम करती है, फिर थोड़ी देर सोचती है कि मैं बाहर का भी काम करूं, और फिर उसे लगता है नहीं मेरा घर का काम कुछ छूट गया है, तो पहले वापस वो करूं और वापस फिर बाहर का कुछ। नहीं अभी देखो बेबी मार्जिन का मतलब क्या हो गया राजू? जिसको मैं पूछ रहा हूँ ना उसको आंसर करने दो, तो वो सीखेगा है ना, नहीं तो दे आर स्ट्रगलिंग। अभी उन्होंने आंसर दिया, मेरे को समझा कि उनका कांसेप्ट गलत है, इसलिए आई एम आस्किंग हर। ओके Confused mind? नहीं, वेवी मार्जिन का मतलब होता है रूल ब्रेकिंग टेंडेंसी, लेफ्ट मार्जिन इज रूल। तो रूल में अगर इनकंसिस्टेंसी है तो क्या हो गया, रूल ब्रेकिंग टेंडेंसी हो गया। मतलब क्या होता है पता है? She likes to try out different kind of dresses. Am I right or wrong, Shubhangi ji? Yes. देखो why? Because it's a rule breaking tendency. जब आप अलग अलग तरह के कपड़े पहनने की कोशिश करते हो तो आप जो समाज के रूल्स है, समाज की जो रूढ़ी परंपरा है, अच्छा बुरा की बात नहीं कर रहे, समझो अच्छा बुरा बात नहीं बोल रहे हम लोग, हम टेंडेंसी की बात कर रहे हैं। तो ये इंसान क्या करेगा, वो रूल के बाहर जाके काम करने की कोशिश करेगा, तो ड्रेसिंग चेंज हो जाएगा। अच्छा ये खाना, खान पान, खान पान में इनकी बहुत बहुत बड़ी वेराइटीज है। Am I right or no? Yes. हाँ, तो ये खान पान में भी काफी अलग अलग तरह की वेराइटीज लाती है। सर वो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क भी ट्राई करेगी ना? नहीं, रूल की बात करेंगे, जो जहां पे रूल आएगा ना, एक एक रूल पकड़ के चलो ना, समाज का रूल, सोसाइटी का रूल, इंडिया का रूल, समझ रहे हो, समाज, घर का रूल। जैसे घर में जब ये अपने पेरेंट्स के हाउस पर रहती थी तो घर में टीवी इनके मर्जी से बंद होने की संभावना ज्यादा है हमेशा। ये जब भी डैड ने बोला कि मम्मी ने बोला कि टीवी बंद करो भी, तो उसके 15 मिनट के बाद इन्होंने टीवी बंद किया। मैं राइट और रॉन्ग? राइट। ये शुभांगी जी राइट और रॉन्ग? क्यों? क्योंकि रूल बन गया ना। रूल क्या था? पापा ने, पापा मतलब रूल, पापा और मम्मी मतलब रूल। पापा मम्मी ने बोला कि टीवी बंद कर दो बेटा अभी, तो ये क्या करेंगे, बोलेंगे पापा 10 मिनट दो, ये लास्ट वाला एपिसोड देख के खत्म करती है। आर यू गेटिंग इट? तो जहां पे भी रूल आएगा उसको ब्रेक करने की टेंडेंसी। जैसे सिग्नल्स इनको बड़े इरिटेट करते हैं, मैं राइट और रॉन्ग शुभांगी जी? सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स। या आपका कौन सी सिटी में रहते हो? बरेली। बरेली, बरेली का कल्चर तो मेरे को नहीं पता, पर वो ब्रेक करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा रहती है। ये क्या करते हैं हमेशा, जो लाइन होता है ना, अगर ये इफ शी इज द फर्स्ट पर्सन टू स्टॉप एट द सिग्नल, वो जो सिग्नल का लाइन होता है ना उसको थोड़ा सा क्रॉस करके वो आगे आगे खड़ी रहती है। मैं राइट और रॉन्ग? Yes. Yes. See now this is the behavior. Which behavior? This is only one behavior. Rule breaking tendency. और ये बहुत गलत है, आप सब analysis मेरे से करवा रहे हो. This is very wrong. Somebody else will have, also have to do it. Yes. और कौन करना चाहता है? सर मैं बोलूँ? Yes, बोलिए. ये अपने old school friends से भी touch में रहती है ज़्यादा, उनसे बात. Very nice. Very good. Good analysis. Very good. ये अच्छा नहीं, लिख के रखो ये भी। यस तरुण जी आपको कुछ कहना था? तरुण जी हो कि नहीं हो? सर हूँ। आप बोलिए ना। वो आपने, वो आपने अभी बोला मेरी लाइन को जस्ट। ओके ग्रेट ग्रेट वेरी नाइस, बट कौन सा लाइन था बोलो, बाकी लोगों को पता चलेगा। वो खाना जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ खाना जिसमें नॉन ट्रेडिशनल फूड, वो डिफरेंट मतलब ये। अच्छा शुभांगी जी आप पिज्जा, आप पास्ता, आप ये सब अच्छा बनाती हो? Yes. देखो नॉट नॉन ट्रेडिशनल थिंग्स, पिज्जा पास्ता अपना है क्या? नहीं। तो अमेजिंग एनालिसिस, अमेजिंग एनालिसिस की सादा एनालिसिस है। अमेजिंग सर। ये देखो अच्छा आपका लेट कमर भी है ये। अभी ये देखो लेट कमर नहीं बोल सकते, ठीक है, लेट कमर नहीं बोल सकते, ये कभी जल्दी भी जाती कभी लेट भी जाती अगर कहीं जाएंगे तो। लेट कमर कंसिस्टेंटली नहीं, दूसरों की इंफॉर्मेशन बहुत होती है इनके पास। दूसरों की इंफॉर्मेशन वो क्यों?
क्या लॉजिक उसके पीछे? वो आपने लिंक बताया कि जासूस मतलब गुड फॉर द स्पाई। नहीं नहीं, पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ खाली, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? राइट लेफ्ट मार्जिन और वेवी की बात कर रहा हूँ। इसमें से कहाँ से पता चलेगा? लेफ्ट और लेफ्ट मार्जिन और वेवी लेफ्ट मार्जिन। हाँ, वेवी लेफ्ट मार्जिन से कहाँ पता चलेगा? मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, दूसरे के बारे में जानकारी रखना। अच्छा, वो अपन ने वो मास्टरमाइंड में जो डिस्कस किया था वो टॉपिक, वो इधर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इधर वो डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, वो बड़ा हेवी टॉपिक, उसमें आधा घंटा बात किया ना हम लोगों ने। यहाँ पे अपने को जो खाली ग्राफोलॉजी में सीखा है ना, उसका बातचीत करना पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम से आप यहाँ पे अलाउड नहीं रहेंगे, आपका जो ग्रुप है। ऐसा मत करिएगा, रिवीजन हो रही है हमारे साथ। ठीक है, वहाँ पे हम लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं ना फिर, है ना? ठीक है, तो ये जो है ये नहीं बात कर पाएंगे। ये बालाजी का कहना है कलेक्ट्स एंड प्रिजर्व्स ओल्ड सब्जेक्ट एंड हर स्कूल ड्यूटीज टू। ठीक है, ये भी करेक्ट है कि कुछ पुरानी चीजें वो साथ में संभाल के रखते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। और क्या बोल सकते हैं बोलो? जो जिन लोगों ने बोला नहीं ना, वो भी ट्राई करो, आप गलती करोगे तो सीखोगे। जैसे राजुल सीखी आज, है ना, कुछ तो भी नया सीखी, गलती करेंगे तो सीखेंगे। Yeah, though she is connected with her past, like maybe she may be talking to her parents, mother or father and all, but somewhere as because of like rule breaking nature, she may not follow their awesome teachings or other things and all. So Shaila ji, I'm very proud of that. Very proud of your analysis. Inka kehna hai, mummy daddy se bahut pyar karti hai, bahut saath mein rehti hai, bahut phone karti hai, fir bhi jhagda karti hai. Yeah. बहुत झगड़े होते हैं उनके मम्मी डैडी के साथ, मतलब अनबन बातचीत तो तुम्हें बहुत होती है, ऐसे नहीं कि ओपिनियन आर्गुमेंट। वेट अ मिनट, लेट्स टेक द कंफर्मेशन। क्या ये एनालिसिस सही है शुभांगी जी? यस, वेरी ऑसम, वेरी गुड गुड, गेट एनालिसिस चले जी। Okay. सर मेरा कुछ ऐसा ही था, बट उसमें मैंने यूज किया था इनकंसिस्टेंसी है कि लाइक अगर कोई पास्ट कोई उनके घर का है या कोई ओल्ड फ्रेंड है, एक टाइम पे तो उसे बड़ा प्यार आता है, फिर एक टाइम पे ये लगता है यार हटाओ, आई विल नॉट टॉक टू देम, आई विल नॉट बी इन टच विद देम। नहीं नहीं नहीं, ये देखो, ये उससे देखो एक ही सिंपल रूल फॉलो करो, क्योंकि आज तो ऐसा आया है, कल को ऐसा ऐसा भी आएगा ना लाइन, तो वो चेंज होगा, वेवीनेस उसका कम ज्यादा होगा, तो आप हर बार ये लॉजिक नहीं लगा पाओगे। तो वेवीनेस का मतलब एक ही चीज को पकड़ के चलो, रूल ब्रेकिंग। रूल ब्रेकिंग का मतलब होता है यू आर नॉट गिविंग इनफ इंपॉर्टेंस और इनफ रिस्पेक्ट टू द रूल्स। इसका मतलब ये होता है कि दो शी इज क्लोज टू हर पेरेंट्स, शी माइट हैव अ काइंड ऑफ यू नो क्या बोलते हैं नॉन केयरिंग एटीट्यूड, और देखे वो उस चीज को लेके वो एटीट्यूड आ जाएगा जहाँ पे वो तुतू में चलती रहेगी उसकी अपनी माउंट नॉटी के साथ, जहाँ पे वो उतना केयर नहीं कर पाएगी जितना करना है, क्योंकि वो क्लोज हो गया ना, नैरो हो गया, केयर से 1/8 ऑफ पेज से भी नैरो चला गया, तो केयर जो है उतना नहीं रहा जितना रहना चाहिए। प्यार बहुत है, केयर नहीं, ऐसा हो जाता है उसका मतलब। ओके ओके सर, एक क्वेश्चन है इसमें, अभी एक बार एनालिसिस कर लें आप। हाँ क्वेश्चन इसके बाद ले लेते हैं, लिख के रखो। और किसी का एनालिसिस, अमेजिंग एनालिसिस? यस मानसी, आपका कुछ अनम्यूट हुआ था, यू वांटेड टू स्पीक समथिंग। सर ऐसे बोल सकते हैं कि जो बोलते हैं कि बाहर जाने के बाद घर में आने का कोई टाइम रहता है, तो वो लेट आते थे। हाँ हाँ, she was not careful enough, उनका कहना था कि चलना मैं तो हो जाएगा, एडजस्ट मैनेज हो जाएगा, उतना कुछ बड़ी बात नहीं है, पापा मम्मी दोनों से कोई तो भी बोल देगा चलो हो ठीक है। Am I right or wrong, शुभांगी जी? Yes. हाँ चलो ग्रेट, थोड़ा लेट भी हो गया तो चलता है, ये एटीट्यूड रहेगा ऐसे इंसान में जिनका लेफ्ट मार्जिन भी रहेगा। ओके okay. सर ये सेम चीज जैसे असाइनमेंट सबमिट करने हो, अरे लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट, अच्छा इसी राइट कि बहुत बार आपका लास्ट मोमेंट पे सबमिट हुआ है असाइनमेंट? यस, कभी कभी एक दो दिन लेट भी हुआ है, आपने रिक्वेस्ट करके एक दो दिन का मोहलत मांग लिया, ऐसा भी हुआ है? यस। ऑसम, देखो क्या बात है, आप लोग तो ऑसम एनालिस्ट हो यार, वेरी नाइस, वेरी गुड मानसी, वेल डन, वेल डन, गुड जॉब, थैंक यू। और कोई? ये देखो बहुत अच्छा है, लिख के रखो, ये सब आपको काम में आने वाले, ये सब एनालिसिस। और कुछ? या लेफ्ट नैरो मार्जिन, लाइक मे बी शी मे लाइक एज शी इज अटैच्ड टू हर पास्ट, शी मे लाइक हैम्पर हर प्रेजेंट और फ्यूचर एक्टिविटीज कनेक्टिंग विद सम फेलियर्स। देखो अभी एक ही बात का बात करेंगे, जो हमने सीखा है
क्या है लेफ्ट मार्जिन बिहेवियर का मतलब रूल ब्रेकिंग. तो रूल ब्रेकिंग के क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे वो मैनिफेस्ट हो सकता है. क्लोज मार्जिन का मतलब क्या, क्लोज लेफ्ट मार्जिन का मतलब होता है कि क्लोजनेस टुवर्ड्स द पेरेंट्स, क्लोजनेस टुवर्ड्स द इमोशंस, क्लोजनेस टुवर्ड्स द ओल्ड थिंग्स पास्ट. तो उसका एनालिसिस करेंगे, ये दोनों का ही पकड़ के चलेंगे. बाद में परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो अपने पास आगे आगे जैसे जाएंगे वैसे सीखते जाएंगे, अभी हम लोग बेसिक्स पे फोकस करेंगे इस मोमेंट में. सर यस करुण जी बोलिए. सर परचेजिंग का भी जो है वो एक जगह से जैसे अपन कहते हैं कि पर्टिकुलर ब्रांड या उससे बंध के नहीं. वेरी नाइस, गुड एनालिसिस. तो शुभांगी जी को हमेशा कुछ तो भी नया ट्राई करने की इच्छा है, कुछ तो भी नया करने की इच्छा है, तो हर बार वो एक ही जगह से ड्रेस नहीं लेंगे, कपड़े नहीं लेंगे, अलग अलग जगह वो ट्राई करेंगे. आर वी राइट शुभांगी जी? यस सर करेक्ट. देखो बहुत अच्छा एनालिसिस है, आई लाइक इट, बहुत अच्छा. और सर कुछ नेगेटिविटी भी बता दीजिए. सब नेगेटिव है, अच्छा क्या बताया अब तक. नहीं ये सब अच्छा लग रहा है. नेगेटिव नहीं वो आप जो है आप वो करते हो उसके लिए आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी के लिए वो नेगेटिव भी है तो ना. कोई भी अच्छा और नेगेटिव नहीं होता, वो आप वैसा जिंदगी जी रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है. नहीं मेरे लिए अगर अगर कोई रूल ब्रेकर है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है. नहीं आप जिंदगी जी रहे हो, आउट ऑफ द वर्ल्ड जीना चाहता है सर. एक डाउट था सर मेरा, कैन आई आस्क? यस यस सर. जैसे कि अभी आपने बोला था कि 1/8 लेफ्ट मार्जिन होना, वन पेपर का मतलब 1/8 होना चाहिए और उतना ही लेफ्ट मार्जिन छोटा रहना चाहिए, और उससे अगर ज्यादा तो नैरो हो जाता है, राइट? नहीं 1/8 से अगर कम है तो नैरो होता है, 1/8 से ज्यादा है तो वाइड होता है. 1/8 इज द आइडियल लेफ्ट मार्जिन. ओके सर, उसके बाद में आपने एक जो पॉइंट थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी सर, वो ये था कि आपने कहा कि इसकी वजह से घर पे केयर तो करते हैं, मतलब लाइक क्लोथ तो है लेकिन केयर नहीं करते, वो सर वो समझा दे प्लीज. देखो सिंपल बात है, आप जब किसी कुर्सी पे बैठते हो तो आजू बाजू में बैठते हो, एक सोफे पे बैठे हो आप, तीन लोगों का सोफा है, तीन लोग बैठे हो आजू बाजू में बैठे हो, ठीक है, तो कैसे कंफर्टेबल हो, खुश हो एक दूसरे के साथ, बराबर है? हाँ. पर समझो कोई इंसान आके आपको एक पैर पे बैठ जाएगा, मेरे जैसा हट्टा कट्टा इंसान, तो क्या होगा आपकी हालत? लेकिन बाकी लोगों को क्या लगेगा कि क्या प्यार है दोनों में, वाह राइट, कितना दोस्त है, कितना याराना है, लेकिन ऑसम सर ऑसम है ना. तो ये चीज होती है, आपके आदमी नजदीक तो चला जाता है लेकिन रिलेशनशिप में स्ट्रेस आ जाता है. ओके दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू. यस सम्राट जी आपका कुछ क्वेश्चन था? या मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर ये रूल ब्रेकिंग करती है इनके हिसाब से तो खुद ही रूल बनाते हैं और खुद ही तोड़ते हैं, ऐसा हो सकता है? मतलब सपोज उन्होंने सोचा कि मुझे 6 बजे उठना है. हाँ, हाँ, तो कभी दो दिन उठेगी फिर नहीं उठेगी फिर उठेगी, ऐसा ऐसा बिहेवियर हो सकता है? 100% 100%. ओके समांगा जी बराबर बोल रही है? Correct. Awesome. Great analysis, Samrat ji. Very nice. सर ये नए दोस्त बनाते हैं भले ही, लेकिन अपने पुराने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ते. नहीं देखो अभी इसमें मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा नितीश जी, नए दोस्त बनाना ये राइट मार्जिन का काम है, तो लेफ्ट मार्जिन में तो आएगा ही नहीं वो. पुराने दोस्तों के बारे में बात कर सकते हो आप, लेफ्ट मार्जिन का में आप पुराने दोस्तों के बारे में यू कैन डिस्कस, यू कैन टॉक अबाउट. सर जैसा कि मैंने पढ़ा सर वो कि लेफ्ट मतलब राइट मार्जिन फ्यूचर और लेफ्ट पास्ट का, फिर आपने सर इसमें एक चीज बताया कि रूल्स को इंडिकेट करता है सर, तो वो थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए. पास्ट में हम जैसे घर को बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, ओल्ड फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, देन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रूल्स. देन सर तो ये सभी चीजें आपको लाइफ में क्या सिखाते हैं? आपके पेरेंट्स ने आपको क्या सिखाया आज तक? आपने सोसाइटी ने क्या सिखाया आपको? ओके आपके कंट्री ने आपको क्या सिखाया? अब कंट्री बनता कैसे है? Right. आप सब लोग बताओ पहला चीज कंट्री बनता कैसे है? लाइन खींची जाती है कि नहीं, तब कंट्री बनता है ना पहली बार. क्या बात है तो लाइन क्या है? रूल ही तो है. तो वहां से तो चालू होता है रूल. क्या बात है. घर में आपको क्या सिखाया जाता है? घर में आपको बताया जाए इसको इससे बात मत कर, इससे बात मत कर, इसको अंदर आने मत दे, इसको बाहर मत जाने दे, सभी रूल से तो सिखाने जाते हैं आपको. ये खा ये मत खा, इतने बजे नहाना, इतने बजे नहीं नहाना है. आई राइट और रॉन्ग? तो ये सभी चीजें रूल से बंधे हुए, सोसाइटी, पास, पेरेंट, कंट्री, रिलीजन, ये सभी चीजें जो रूल से बंधे हुए, ठीक है, इसके लिए उसको रूल का दर्जा दिया गया. और इनको जब आप रिस्पेक्ट करते हो तो आप रूल की रिस्पेक्ट करते हो, इसलिए 1/8 ऑफ द पेज इज आइडियल लेफ्ट मार्जिन. ओके ग्रेट. तो हमने 10 से ज्यादा पॉइंट्स निकाले एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, स्पेशली दोज हु आर नॉट स्पीकिंग एट ऑल, आई डोंट नो बिकॉज ऑफ व्हाई, बट ठीक है. अभी नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं हम लोग टॉप मार्जिन का और बॉटम मार्जिन का, ठीक है, वापस से टॉप और बॉटम मार्जिन के बारे में बात करेंगे हम लोग.
यहाँ पे हम एजुकेशन पर्पज के लिए कर रहे हैं, और शुभांगी जी हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं, हमने कई नेगेटिव पॉइंट्स आपको बोले इसके बावजूद आपने उसको हाँ बोला, थैंक यू वेरी मच। ओके, अभी और कोई टॉप मार्जिन? अपने पास दो सैंपल ही है, अब तीसरा सैंपल हम लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ सैंपल मिलता है। अच्छा, ये है अमिता जी का सैंपल, और किसका है? अमिता के दो सैंपल है, ठीक। अब ये सैंपल में लेट्स टॉक अबाउट द टॉप मार्जिन, व्हाट इज हैपनिंग इन द टॉप मार्जिन, कैन एनीबॉडी से टॉप मार्जिन में क्या हो रहा है, किस तरह का मार्जिन है टॉप मार्जिन? अनइवन है सर। टॉप मार्जिन जो है वो काइंड ऑफ नैरो टॉप मार्जिन हो जाएगा, ठीक है, ये 1/8 ऑफ पेज से कम हो जाता है। सर पहले तो वाइड है ना सर, वाइड है फिर नैरो। हाँ हाँ, पर इसमें ना हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कैटेगरी आइदर वाइड रखेंगे या फिर वाइड प्लस नैरो बोल सकते हैं सर। हाँ, नहीं वाइड प्लस नैरो नहीं, वाइड रखेंगे, नैरो रखेंगे और 1/8 रखेंगे, उससे ज्यादा एनालिसिस करके कुछ मिलेगा नहीं अपने को यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये नैरो है लेफ्ट मार्जिन जो है, राइट ये टॉप मार्जिन जो है, यहाँ पे गिरेंगे, यहाँ पे यहाँ से लाइन खींचना पड़ेगा अपने को, यहाँ से लाइन खींचेंगे यहाँ पे ऐसे। आई होप एवरीबडी इज एबल टू सी, दोज हु आर नॉट स्पीकिंग प्लीज कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट, किसी का तो भी नॉइज आ रहा है काफी ज्यादा। कैन यू ऑल म्यूट योर सेल्फ इफ यू आर नॉट स्पीकिंग, लेट मी डू इट। ओके, अभी बहुत शांति है, वाह। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि क्या कैसे देखना है इस मार्जिन को, या अगर यहाँ से आप लाइन खींचते हो, देखो सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे ये है डी का पॉइंट, बराबर है, तब डी के पॉइंट से अगर आप डी के पॉइंट से अगर आप यहाँ से लाइन खींचते हो तो ये कौन सी मार्जिन में कन्वर्ट हो जाता है, ये मार्जिन नैरो टॉप मार्जिन। तो नैरो टॉप मार्जिन में क्या हो जाता है, कोई बोल पाएगा नैरो टॉप मार्जिन में क्या होता है? हाँ, यानी ये अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। नैरो टॉप मार्जिन का मतलब क्या होता है? लेफ्ट साइड थिंग्स। हाँ, रिस्पेक्ट टुवर्ड लेफ्ट साइड थिंग्स। तो क्या इनके मन में अपनी सोसाइटी, समाज, प्रतिष्ठा, इन सब के लिए ज्यादा रिस्पेक्ट है? है कि नहीं है, बोलो जल्दी तरुण जी। हाँ, नहीं है, ये 1/8 के 1/8 से कम है ना, ये 1/8 से कम है ना, यहाँ ये पॉइंट है ना, यहाँ पे देखो ना कितना हो, यहाँ पे मार्जिन कितना हो गया, ये कम है ना ये 1/8 से। हाँ ठीक है, ये क्या हो जाता है, अगर इनको कन्वीनियंट है तो वे खड़े रहेंगे राष्ट्रगान के समय, अगर उनके पैर दर्द करेंगे तो बैठ जाएंगे। आर यू गेटिंग इट? हाँ यस। अमिता जी कैन यू जस्ट कंफर्म? अरे अमिता जी आपने बोला था आपका एनालिसिस करो, हम कर रहे हैं आपको, देखो हर एक नेगेटिव और पॉजिटिव चीज को हाँ बोलना पड़ेगा। आर यू देयर? नहीं तो हम आपका। यस सर। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो स्पोर्टी। अभी आप अब देखो और क्या एनालिसिस कर सकते हो सर, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए सर को, आप कैसे बताया सर आपने थोड़ा सा? अरे ये देखो राष्ट्रगान का सम्मान, ये परंपरा सर कुछ रिलेट किया था आपने ट्रेडिशन, ये जो देखो राइट ये पढ़ा है कि आपने टॉप मार्जिन जो है ये इंडिकेट करता है रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड थिंग्स, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड थिंग्स, ये तो आपका आपने पढ़ा होना चाहिए अपना फर्स्ट सेकंड लेक्चर में, पहले लेक्चर में है। तो इसके कारण ये आता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कम है तो ये रिस्पेक्ट कम है तो वो क्या करते हैं, ये खुद के हिसाब से एडजस्ट हो जाते, खुद के उनके रूल्स रेगुलेशन खुद रखते, तो दे डू नॉट एक्चुअली हैव रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दी, दे डू नॉट हैव रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी। ग्रेट, और कुछ और क्या बोल पाएंगे इनको सर? ये फ्लैग के लिए क्यों बोला आपने? अरे तो राष्ट्र आप बाकी जगह पे आपको बोलने का मौका दे रहा हूं ना मैं, बाकी आप करो एनालिसिस, मैंने एक किया। नहीं नहीं सर, ने फ्लैग के लिए आपने कैसे पकड़ा, मतलब ये चीज अपनी सही कैसे? अरे फ्लैग जो है वो दर्शाता है ना अपनी परंपरा, अपना रूल्स, वो अपना लेफ्ट हैंड है ना, अपना कंट्री का प्रतीक है ना, वो देश का प्रतीक है ना, वो राष्ट्रगान
और फ्लैग देश का प्रतीक है ना वो तो सर, इसको बोल सक सर, लेकिन मैं तो राष्ट्रगान को रेस्पेक्ट करती हूँ। हाँ एज पर योर कन्वीनियंस वो बोला मैंने, रिस्पेक्ट नहीं करते ऐसे नहीं बोला, बोला कि अगर आपके पैर दर्द करेंगे तो आप बैठ जाओगे। ओके ओके यस और नो यस यस वैसा बोला ना मैं तो फिर ओके ओके मैंने कहा बोला देखो एनालिस्ट का पहला रूल है कोई भी निगेटिव चीज को पॉजिटिव करके बोलना है, अगर सिर्फ निगेटिव चीज को निगेटिव करके बोलोगे तो कोई भी हाँ नहीं बोलेगा। तो मैंने जोड़ के दिया कि जब भी आपके पैर दर्द करेंगे आप बैठ जाओ। आर यू गेटिंग इट? यस अमिता जी ऐसे ही आपको भी एनालिसिस करना है। आपने आउटराइट निगेटिव एनालिसिस करके किया ना तो कोई भी इंसान हाँ नहीं बोलेगा। आपको हमेशा उस एनालिसिस को थोड़ा ट्विस्ट करके बताना वही है लेकिन अलग तरह से ताकि सामने वाला हाँ बोले। है ना, अगर मैं आपको बोल दूंगा कि आप राष्ट्रगान का रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो आप तो पहला बोले मैं तो करती हूँ, लेकिन कब? जब कन्वीनियंट है, जब रिस्पेक्ट का। देखो एक चोर बोल रहा है मैं कभी चोरी नहीं करता हूं, क्यों पता है? एक चोर तब तक चोर नहीं होता जब तक वो पकड़ा जाता है। हाँ, और तब तक वो चोर चोरी नहीं करता है जब तक उसका वो चोरी उसके एक्सपेक्टेशन से बड़ा नहीं होता है। मतलब वो इंसान जो है, जो बोला ना मैंने आज तक तो कोई अफेयर नहीं किया, वो झूठ बोल रहा है। जो इंसान को अफेयर करने का चांस मिला था उसने नहीं किया, वो सच बोल रहा है। कई लोगों को तो चांस ही नहीं मिलता, तो वो बोले मैंने नहीं किया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है यार, तेरे को चांस ही नहीं मिला तो वो लॉयल है। नहीं, जिस इंसान को चांस मिला उसने नहीं किया वो लॉयल है। तो जो इंसान तकलीफ में भी खड़ा होता है वो इंसान जो है वो इंसान, अरे एक मिनट, somebody's okay। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस इंसान को तकलीफ है और फिर भी वो खड़ा हो रहा है, इसका मतलब क्या है? That person has highest respect and regards towards the country। जो अपने कन्वीनियंट पे काम कर रहा है उसका रिस्पेक्ट नहीं होता है कंट्री के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, सोसाइटी के प्रति, रिलीजन के प्रति। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। ठीक है सर। हाँ बोलिए। एक पॉइंट है सर कि अगर टॉप मार्जिन में या कोई भी मार्जिन में या तो 1/8 होगा तभी हम, जैसे कि इट्स अ टॉप मार्जिन है, अगर इट इज 1/8 ऑफ द पेपर देन वी विल से कि रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड थिंग्स, एम आई राइट? 100%। लेकिन इफ इट इज लेस देन 1/8 और मोर देन 1/8 देन नो रिस्पेक्ट फॉर लेफ्ट साइड थिंग्स, एम आई राइट? नहीं संदीप जी, आपको ना सीखना पड़ेगा, आपने ना ये लेक्चर नहीं किया हुआ है। मैंने सर थोड़ा सा देखा हुआ है आपको। हाँ, तो वैसे में सर प्लीज क्या करो ना, आप देखो मैं आपको ये सपोर्ट वर्कशॉप्स ले रहा हूँ, बट आई डोंट वांट यू टू बी टू यू नो अज्यूम दैट मैं यहाँ पे सब कुछ पढ़ाऊंगा। नहीं, मैं आपका ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा क्योंकि लेक्चर में क्या हुआ है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपका जो नॉलेज है और ज्यादा बढ़े, आपका शार्पनेस बढ़ जाए और ज्यादा सीखो आप, इसलिए मैं सपोर्ट वर्कशॉप्स लेता हूँ। तो पढ़ के आओ, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं समझेगा क्या चल रहा है। और आप सभी लोग एफर्ट्स लो, आपको अगर एक्सेस नहीं मिल रहा है, कुछ तकलीफ है तो मुझको बताओ, यू नो यू कैन पिंग मी, तो हम लोग देखेंगे क्या चल रहा है। और प्लीज एफर्ट्स लो तो ही ये सीखने को मिलेगा, ये शॉर्टकट नहीं है। इसमें से आपको थोड़ा सा पता चलेगा, बाद में मैं ऐसी चीजें बताऊंगा कि आपको कनेक्ट नहीं होगा कि चल क्या रहा है। और क्या बता पाएंगे बोलो इनको, एक चीज बता दी सर। यस सर, इमोशनल है, फीलिंग्स इमोशनल है, फीलिंग्स इमोशनल है टॉप मार्जिन से, क्यों? यानी क्योंकि अपने पास से अटैच है। नहीं नहीं नहीं, ये राइट मार्जिन का फंक्शन क्या हो गया, सॉरी अपर मार्जिन का फंक्शन क्या हो गया, टॉप मार्जिन का फंक्शन क्या हो गया? रिस्पेक्ट, राइट? हाँ रिस्पेक्ट है। तो अभी सब बिहेवियर्स निकालो ना, अभी क्या क्या करेंगे वो? सर जो रिस्पेक्ट करता है वो उसमें थोड़ा इमोशनल भी होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। रिस्पेक्ट अभी वो रिस्पेक्ट एट कन्वीनियंस का बात आ गया आप, है ना, रिस्पेक्ट एट कन्वीनियंस, बिकॉज रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन आप बोले कि रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर आदमी जो है वो अपोजिशन में चला जाता है। या इनका कहना सही है, बालाजी ने डाला है, बाल दीपक नीचे डाला है, इज सिलेक्टिव रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी रूल्स एंड नो एनवायरमेंटल कंपोजिशन का कुछ बात नहीं है, बट दिस पर्सन इज सिलेक्टिव टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड रूल्स, मतलब एज पर कन्वीनियंस करता है, मतलब एक्चुअल उनको करने की इच्छा नहीं होती है पर सोसाइटी क्या बोलेगा इसलिए थोड़ा बहुत कर भी लेंगे, बट मन से नहीं रहता बेसिकली। ऐसे बोलने के लिए बहुत ज्यादा है, अभी मैं ये सैंपल बंद करके बात करता हूँ कि ऐसे लोग कैसे बात करते तो आपको समझेगा।
अब देखो ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग अपने देखो प्यार करते अपने माता पिता से लेकिन उनको रिस्पेक्ट नहीं करते। अब प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब होता है कि आप अपने माता पिता के पैर दबा रहे हो, आप उनके लिए खाना बना रहे हो, उनको पानी लाके दे रहे हो, ये सब बिहेवियर जो है प्यार का हो गया, केयर का हो गया। पर आप उनके सामने बड़े आवाज में बात कर रहे हो, आप उनका कहना धुतकार रहे हो, आप उनके कहने का वैल्यू नहीं रख रहे हो, ये उसका नॉन रिस्पेक्ट में आ गया। यस बालाजी प्लीज गो अहेड, यू कैन टॉक बालाजी। थैंक यू सो मच। लाइक जो टॉप मार्जिन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन का भी थोड़ा लाइक हेल्प ले सकते हैं क्या? क्योंकि इसमें 100% बालाजी, यहाँ पे हमने क्या देखा कि लेफ्ट मार्जिन भी नैरो है, वो नैरो भी उतना, हाँ, उतना नहीं है। तो ओवरऑल अभी देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा बालाजी आपके हिसाब से? लेफ्ट मार्जिन नैरो है, टॉप मार्जिन भी नैरो है, इसका कॉम्बिनेशन क्या हो गया? Because of some like past experiences, या इसीलिए मैं पूछा था environment compulsion है क्या administrative position में? इसका दोनों का combination ही होता है, top margin narrow है, bottom margin भी narrow, sorry left margin भी narrow, इन दोनों का combination है, not so good relationship with the authorities, not so good relationship with the parents and not so good relationship with the kids. Okay. अगर अमिता जी अगर आप बोल पाओगे तो नथिंग लाइक इट, अगर आप कुछ हमको नॉलेज दे पाओ इस बारे में। अमिता जी कैन यू स्पीक, कैन यू ऐड? यस सर, ये टू सम एक्सटेंड आई वुडंट से दैट इट इज कंप्लीटली राइट, या टू सम एक्सटेंड यस। थैंक यू वेरी मच फॉर अफर्मिंग दिस। इसका मैं लॉजिक बता देता हूँ आपको, क्या होता है ना, प्यार बहुत होता है सबके साथ, रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसमें स्पेस नहीं दे रहे हो, वहां पे लेफ्ट मार्जिन में अगर स्पेस नहीं जाता है तो इंसान के रिलेशनशिप बाय डिफॉल्ट खराब हो जाते, फिर जहां पे आपके पेरेंट्स के साथ हो जाते हैं वही आपके चिल्ड्रन के साथ हो जाते हैं, वही पेरेंट्स के साथ खराब रिलेशनशिप मतलब अथॉरिटीज के साथ भी खराब रिलेशनशिप। तो आपको हो सकता है आपके करीब में कई बार अथॉरिटीज ने सपोर्ट नहीं किया रहेगा, am I right or wrong? Authorities के साथ 100% what you say is right. Same thing, no? Authority मतलब parents. But with family, with parents and with children, I have a very good rapport. Rapport means love is there. Love. अच्छा relation भी है हमारा. हाँ. We share everything. Yeah, I understand. You share everything. That is the problem. You need to give space. The space नहीं, आपका attachment बहुत ज़्यादा है. उसके बारे में no doubt. पर जहाँ पे जो respect चाहिए था, वो respect वो level पे नहीं है, जो level पे रहना चाहिए वो हमारा कहना है। That is why authorities के साथ जो आपका problem हो रहा है उसका कारण ही वही है, और अच्छा या बुरा का concept नहीं है आप। Okay. अच्छा बुरा की बात नहीं कर रहे, जो analysis है उसका बात कर रहे हैं। तो देखो आपको फिर क्या हो गया, आपका promotion time पे नहीं हुआ, am I right or wrong? Yes. Promotion delay हुआ, आपको authorities ने तकलीफ दिया, फिर आपसे unnecessarily ज्यादा काम करवाया, कभी कभी आपको अपॉर्चुनिटी दी थी, बराबर? True. हाँ। और कई बार आपको अवार्ड्स लेट मिले, अवार्ड्स नहीं मिले टाइम पे, Very true. जबकि आपने ज्यादा काम किया था, बच्चे आपने सबसे ज्यादा काम किया था, वेरी ट्रू। तो वो सब चीजें आपके एनालिटी में आ गई। ऑल ऑफ यू थिंक, कैसे लगा आपका एनालिसिस, अच्छा लगा सबको? यस सर। देखो एक पॉइंट से कितने सारी चीजें पता चली। अब मैं ना उनका पेरेंट्स, अभी देखो पेरेंट्स और उनके बच्चे उनके लिए सेंसिटिव है, तो आई विल नॉट टच दैट टॉपिक। भले अपना एनालिसिस करेक्ट है, तो जिस चीज के लिए उन्होंने हाँ बोला ना उसको ज्यादा डिक करेंगे हम। ये एनालिसिस का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, जिस चीज को उन्होंने हाँ बोला ना उसको लेके मैंने डिक करना चालू किया, फिर अथॉरिटीज का ना सपोर्ट देना, काम ना देना, रिकॉग्निशन ना मिलना, प्रमोशन ना मिलना, एक ही चीज के अलग अलग पैरामीटर्स। और बेस्ट पर बताओ, और इससे भी अच्छा बात, अलका जी, अपना अमिता जी, यस सर, क्या आपका जो ऑफिस था जहां पे आप वर्क के लिए जाते थे वो क्या घर से दूर था? नहीं, ज्यादा दूर नहीं था, 20-25 minutes. Okay, तो travel में कुछ challenges थे, ऐसा कुछ था? I was totally dependent on rickshaw. Correct. तो कुछ तो challenge था उस travel में भी, बराबर है? Yes. तो ये भी चीज क्यों? क्योंकि अभी ये authority जो है, उसका school भी एक authority है, school भी एक उनका क्या है, symbol है authority का, तो school से भी आने जाने में तकलीफ होगी, gate में entry करने की तकलीफ, उनका हो सकता है उनका रास्ता खराब रहे, हो सकता है उनका उसमें vehicle ना रहे, ना हो सकता है वो बहुत दूर रहे उस जगह से, तो ये सब चीजें क्या करेगी, उनको वो अथॉरिटी की जगह को एक्सेस करने में ट्रबल देगी। आर यू गेटिंग इट एवरीबॉडी? तो कन्वीनियंट था ना उतना आपका ट्रैवल ऑफिस के लिए,
हो सकता है वो जो रिक्शा वाला था उसका मूड अच्छा नहीं, उसका स्वभाव अच्छा नहीं था, वो मुनमन था, वो आगे पीछे करता था टाइम, आई डोंट नो. यस, जल्दी से रिक्शा नहीं मिलती थी. देखो आई हैड टू वेट. देखो आई हैड टू वेट फॉर अ रिक्शा. डोंट यू थिंक दिस इज मच मच हायर कंपेयर टू द कुंडली एज वेल? कुंडली से भी ज्यादा नहीं हो गया ये? आई वांट टू क्लेरिफाई वन थिंग. यस, like the overall this whatever analysis we have done, can we put it more positive, like that she is more generous than generosity kahan se aaya aapka responsive to the situation? generosity kahan se aa gaya? like jaisa bhi aapne bataya ki wo like parents ka pyar bahut karti hai lekin shayad care nahi hoga, to when she is exposing herself, so can we relate to generosity? nahi abhi dekho aisa bolna padta hai, theek hai, ye hota hai na, ये अटैच्ड होते हैं. प्यार अभी देखो जहाँ पे प्यार आता है ना, सच्चा प्यार क्या होता है, देखो एक एग्जांपल बताता हूँ. एक अभी आप मेरे को बताइए शैले जी, आपको एग्जांपल देता हूँ. एक लड़के ने चोरी की, 10 साल का लड़का है, उसने चोरी की. एक माँ ने किसी को पता नहीं चलने दिया कि उसने चोरी की, और एक माँ ने ऐसी धुलाई की सबके सामने, और फिर वो इंसान वो लड़के को वो चीज वापस करने के लिए लगाई. आप में से अच्छा प्यार किसका है? जिसने मारा. सच्चा प्यार किसका है? जिसने मारा. जो पहला वाला प्यार है ना, ये प्यार है. जब वो मार्जिन क्लोज होता है ना, वो प्यार है. वो अटैचमेंट बहुत ज्यादा है. वो प्यार नहीं, वो माया है. वो प्यार के नाम पे माया है. आदमी को सच और झूठ, अच्छा बुरा वो दिखाई नहीं देता. तो वो प्यार को प्यार नहीं बोलते, लेकिन प्यार बोलना पड़ेगा ना फिर भी, क्योंकि प्यार तो है, अंडा तो है, प्यार तो है. तो वो जब मार्जिन अंदर चला जाता है ना, तो वहां पे वो चीज हो जाती है. वहां पे वो माया में फंस जाता है इंसान. उसको अजम्पशन होता है कि वो बहुत प्यार करता है अपने पेरेंट से, लेकिन वो पेरेंट को कंफर्ट नहीं दे पाता है, पेरेंट को उनका स्पेस नहीं दे पाता है, पेरेंट के बारे में सोच नहीं पाता है. वो अपनी विचारों को उनके ऊपर लाद देता है. वो अपने विचारों के तहत उनको मनवाता है. वो डोमिनेंट हो जाता है, क्योंकि वो जाके उनके गोद में बैठ जाता है. और आप सोचो, एक 18-20 साल का बच्चा अगर आपकी गोद में आके बैठेगा, तो आपको कैसा लगेगा? लोगों को क्या लगेगा? प्यार है. उसको लगेगा कि वो आपके साथ प्यार कर रहा है, लेकिन आपको पता है आपको कितनी तकलीफ हो रही है. तो वो कंसेप्ट है. तो ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, माम स्पेशली ऑल मदर्स. वो प्यार के नाम पे अंधी हो जाती है, उनको नहीं समझता है. और वर्स्ट बात होती कंपटीशन. तेरे बच्चों को कितने मिले, मेरा बच्चा क्या है? वो तो अरे बाप, ओ गॉड. वो कंपटीशन के नाम पे अपने बच्चों को ऐसे मतलब ऐसे काम करवाते ना, यू कैन इमेजिन. वो इंग्लिश में अच्छे मार्क्स मिलाने के लिए क्या करेंगे? इंग्लिश में अच्छे मार्क्स मिल गया तो क्या? Okay, can we say that they are self-centered or they are more worried about their own comfort zone? अभी ये आपको तब आप बोल पाओगे जब all margins मतलब no margins अगर रहेगा ना, तब ये आपका analysis correct हो जाएगा. Okay. No margins रहेगा ना, तो these people are self-centered. Okay. चारों तरफ से margin नहीं है, मतलब self-centered हो जाते हैं, वो खुद का ही सोचेंगे. Okay. ठीक है, ग्रेट. देखो हमने ना कुंडली से भी आगे जाके बात किया कि घर कैसा रहेगा, कौन कैसे आदमी मिलेगा, क्या होगा, है ना सर? हाँ हाँ बोलिए. और अगर चारों तरफ से मार्जिन नैरो रहेगा तो? वही बात हो गया ना, नैरो और नो मार्जिन्स आर ऑलमोस्ट सेम इन टर्म्स ऑफ, अगर चारों तरफ से मार्जिन नहीं है तो. ठीक है, ओके. हाँ, वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, क्योंकि क्या अभी हाउ टू कैलकुलेट दिस वो भी समझो आप. हाउ टू कैलकुलेट दिस मार्जिन ऑन द टॉप, ये कई लोगों को वो भी नहीं पता रहेगा, मैं बता देता हूँ. ये लाइन स्पेसिंग का कंसेप्ट है. तो यहाँ पे ये देखो, इनका लाइन स्पेसिंग एडजस्ट करो, जितना लाइन स्पेसिंग है यहाँ से एक लाइन खींचो, ये डी से एक लाइन खींचो ऐसा ऊपरी तरफ, और देखो क्या आप और एक लाइन लिख सकते हो ऊपर उतना लाइन स्पेसिंग छोड़ के, इनका साइज देख के. नहीं, इसका मतलब ये नो मार्जिन में जाता है, ये नो टॉप मार्जिन में जाता है. ओके, ठीक है. इसमें अगर आप क्या करो, ये छोड़ के इतना वर्ड स्पेसिंग इधर छोड़ के, कैन यू इमेजिन राइटिंग एनी 3 लेटर और 4 लेटर वर्ड ओवर हियर? नो. इसका मतलब यहाँ पे भी ये नो मार्जिन में कैन काउंट होता है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस. ये 2-3 लेटर या 4 लेटर का वर्ड, 4 लेटर का वर्ड अगर आप यहाँ पे लिख सकते हो, इनका लेटर मार्जिन छोड़, इसका वर्ड स्पेसिंग छोड़ के, तो समझने का शी हैज लेफ्ट सम मार्जिन. तो यहाँ पे इनका आपका ये भी नो मार्जिन में जाता है, ये भी नो मार्जिन में जाता है इनका. समझ रहे हो? आपको सबको बात समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया प्लीज आस्क द क्वेश्चन सो दैट आई विल एक्सप्लेन अगेन. यहाँ पे इनका लाइन स्पेसिंग छोड़ के ऊपर लाइन लिख सकते क्या? वो देखो तो नहीं. या हु इज दैट?
हाँ सर, मतलब लाइक आपने ये कहा कि अगर वहां पर लेटर नहीं लिख सकते तो इसका मतलब है कि जो भी लास्ट उसका जो फर्स्ट लेटर वहां पर यूज हुआ है वो मार्जिन, मतलब नो मार्जिन जोन में है। नहीं, आप संदीप जी समझ लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ शांति से। यहाँ पे इनका पहले तो इनका वर्ड स्पेसिंग इधर एडजस्ट करना है। इनका वर्ड स्पेसिंग इतना है, ये इधर इतना एक डैश मार दो यहाँ पे, वर्ड स्पेसिंग आ गया। फिर देखो एक चार लेटर का वर्ड इधर लिख सकते हैं क्या? तो नहीं लिख सकते, जगह ही नहीं उतनी। इसका मतलब क्या है कि शी हैज नॉट लेफ्ट एनी लेफ्ट मार्जिन। समझ गए बात? ओके ओके ओके, थैंक यू सर। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इनका लाइन स्पेसिंग एडजस्ट करेंगे, फिर उनका ये इनका ये वर्ड का साइज लेंगे और देखेंगे कि क्या इस लाइन के ऊपर, ये लाइन यहाँ पे खींच दी, क्या इस लाइन के ऊपर यहाँ पे ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे क्या मैं ये एल लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये टॉप मार्जिन में छोड़ा है क्या? नहीं छोड़ा है। ये इस तरह से एनालिसिस करेंगे। सर, विद दिस एनालिसिस कैन वी से दैट शी लाइक्स टू मेक हर प्रेजेंस फील व्हेरेवर शी गोस? अभी ये देखो, अभी इनका जो मार, ये ना साइजेस देखोगे ना, तो ये इनका ना ये इसमें जाता है, नो मार्जिन लेफ्ट में जाता है इनका, चारों तरफ से इनका जो मार्जिन है ना वो नो मार्जिन लेफ्ट में चला जाता है। तो यहाँ पे खाली थोड़ा सा उन्होंने जगह छोड़ा है, और यहाँ पे भी अगर मैं लाइन स्पेसिंग छोड़ के लिखना चाहूँ, लाइफ के नीचे जर्नी लिखना चाहूँ, तो मैं डोंट थिंक आई विल बी एबल टू राइट जर्नी, है ना? तो नो मार्जिन लेफ्ट, तो बोथ ऑल मार्जिन ऑक्यूपाइड एंड नो मार्जिन ऑक्यूपाइड, मतलब जो है ना नो मार्जिन फ्रॉम ऑल द साइड, ऑल मार्जिन फ्रॉम ऑल द साइड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन यही होता है कि इंसान थोड़ा अटेंशन सीकिंग हो जाता है, राइट? ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर चारों, एक मिनट आपको लगता है नॉइज आ रहा है मेरे पीछे, जरा शांत करवाता हूँ। ओके, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि चारों तरफ से अगर मार्जिन छूटा है या चारों तरफ से अगर मार्जिन ऑक्यूपाई आया है तो दोनों में एक ही कंसेप्ट वैलिडेट होता है। वो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि अटेंशन सीकिंग दोनों जगह पे, यस, सेल्फ सेंटर्ड और अटेंशन सीकिंग, वेरी ट्रू, वर्षा वोरा ने सही बोला है, सेल्फ सेंटर्ड एंड अटेंशन सीकिंग दोनों चीजें आ जाती है। देखो हमने बहुत अच्छे से आज मार्जिन को कवर किया, सभी मार्जिन को नहीं किया लेकिन काफी सारे जो डाउट्स थे, काफी सारे जो चैलेंजेस थे, आई थिंक वी वर एबल टू क्लैरिफाई। इसी तरह से आप लोग हर हर थर्सडे को एक एक टॉपिक करेंगे, हो सकता है अगली बार भी शायद मार्जिन से डिस्कस करें, या हो सकता है नेक्स्ट टाइम स्पेसिंग डिस्कस करें। तो ऐसे अलग अलग टॉपिक को टच करके वी विल ट्राई टू रिवाइज, है ना, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो वी विल ट्राई टू रिवाइज द थिंग सो दैट आपको भी समझेगा कि कैसे एनालिसिस करना है, कैसे देखना है, मुंह से क्या वर्ड निकलने चाहिए। वर्ड्स का बहुत ज्यादा अहमियत है आज ग्राफोलॉजी में, बहुत ही ज्यादा अहमियत है। अगर आपके वर्ड सही है तो एनालिसिस 100% करेक्ट है, थोड़ा भी वर्ड ऊपर नीचे हो गया तो वही एनालिसिस जो आपके मन में सही है वो गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो इस बीच आपको अगर किसी को शेयर करना है तो प्लीज शेयर टुडे, हाउ वाज द सेशन, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू यू नो व्हाट यू लर्नड, और यू नो थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा कुछ लोग अगर बोलेंगे तो, किसी बाकी लोगों को आपको कुछ आहा मोमेंट था, कुछ अमेजिंग पता चला। और अगली बार वापस से मिलेंगे और वी विल डिस्कस मोर अबाउट मार्जिन्स एंड मे बी स्पेसिंग नेक्स्ट टाइम। यस, एनीवन वांट्स टू शेयर समथिंग? सो मे आई? डिंपल। यस डिंपल, बोलो ना। सर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आहा मोमेंट दैट ऑल रिवीजन केम टू अगेन, इट वाज एन अमेजिंग सेशन, ऑलवेज यू हैव सम अदर थिंग यू नो टू गिव, दैट्स न्यू। अरे वो तो आप छोड़ के कहाँ गए थे, इतने दिन दिखे नहीं, वेयर वर यू? सर, आई वाज बिजी माय स्कूल वर्क एंड अदर वर्क सर, सो ग्राफोलॉजी से टच रह गया था। ऑसम, टुडे रिवीजन हो जाएगा स्टार्ट, सो इट वाज एन अमेजिंग सेशन वेयर वी यू नो ब्रश्ड अप एवरीथिंग। थैंक यू। अभी ये जो पूरा सेशन है ना वो अपना जो प्राइवेट ग्रुप है फेसबुक पे ऑनलाइन ग्राफोलॉजी क्लास का, उसमें ये अपलोड हो जाएगा, तो आप ना ये वापस से रिवाइज भी कर सकते हो वहां जाके, ठीक है? जितने भी अपने ये सेशन होंगे ना, आई विल अपलोड इट टू द फेसबुक ग्रुप, ताकि वो भी एक्टिव हो जाए, ठीक है? ओके भैया, दिस इज बाला दीपक। यस बोलिए जी। नॉर्मली देयर इज वन बिग डिफिकल्टी, दैट इज हाउ टू ट्रांसफर थियरी इनटू प्रैक्टिकल,
आज लाइक आप यू गिव मोर देन 5 एग्जांपल्स ऑन हाउ टू इंटरप्रेट द थियरी इनटू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. आई थिंक वो आहा मोमेंट के थोड़ा ज्यादा आहा हा हा मोमेंट है. वाओ, आगे आगे है वाओ मोमेंट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you very much, Balaji. Okay, just I was thinking, like when you said that there is no space in the or the margin in top as well as a side, left side. So can we analyze that this particular person, she or he may need more time to organize herself or to live a like disciplined life? Yeah, we have a question. Likhe rokho. Next time, isko discuss karenge. Today, we are on the closing part. We just want to revise what we all learned and okay. What people liked about it or what people thought about it, so that it will benefit other people as well. You know, isko likhe rokho. Next time, we'll discuss surely. Okay. Sir. Yeah. Tarun ji, boliye. हाँ, sir. Aha moment. आज का जो है वो जो narrow upper margin का discussion रहा. और उसमें जो points नए सुनने और मैंने जो कुछ note down भी करे हैं. वो बहुत बढ़िया रहे कि किस चीज को कैसे अटैच करके आप बता रहे हैं, वो थोड़ा नया सीखने को मिला आज. थैंक यू तरुण जी. और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझको आपके जैसे स्टूडेंट मिला है जो इतना रिलीजियसली स्टडी करके सभी के नोट्स बना के आप हो और एक राजेश जी है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस. मतलब बहुत पढ़ाई कर रहे हो, बहुत स्टडी कर रहे हो, बहुत नोट्स निकाल रहे हो अच्छे. तो ऐसे ही कीप अप द गुड वर्क. बहुत अच्छा काम कर रहे हो. थैंक यू सर. और बाकी मानसी, how was it for you? Really well. I think people speaking skills ज़्यादा learn हुए. Yes, very. This is a very good point. तो क्या आप बता सकते हो थोड़ा बाकी लोगों को revision करने के लिए क्या आपको click हुआ people speaking में? मतलब अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो obviously उस person को भी agree होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो. और अगर वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं अग्री कर रहा है तो आपको उस पे ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए उसको. उसको छोड़ के आपको दूसरा एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए. ग्रेट. तो मैं आपको बोलूं इसमें मैं और आपको थोड़ा सा टिप देता हूं. जनरली क्या क्या करना चाहिए ना, जनरली उससे पहले हाँ बुलवाने चाहिए. तभी ऑलवेज रिमेम्बर व्हेनेवर यू डू एनालिसिस, पहले शुरुआत में ना अच्छे अच्छे पॉइंट बोल दो जो कि ईजी है. आपने बहुत जगह बोले, सबको चीज हाँ बोलती है. और जब भी वो हाँ बोलेगा ना, मेक श्योर दैट यू आस्क हिम अगेन. सच है ना, मतलब उसने एक बार हाँ बोला ना, एक बार उसने हाँ बोला ना, तो उसको वापस उसी चीज के लिए हाँ बोलने के लिए लगाने का. इफ यू ऑब्जर्व माय वे ऑफ एनालिसिस, नो मैं आपको वापस से हाँ बोलने के लिए लगाता हूँ. राजेश जी ने समझो, राजेश जी ने बोला हाँ, तो मैं बोलूंगा सच है या झूठ, बराबर ना, एम आई राइट, एम आई राइट. तो वो दो तीन बार हाँ बोल देते तो उनके माइंड को ना वो हाँ बोलने का आदत लग जाता है. तो ऐसे दो तीन क्वेश्चन को कर दिए तो उनका माइंड सेट हो जाता है. फिर आप अपना जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट एनालिसिस है जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, उसको भी बोल सकते हो. तो उसको वो भी ना नहीं बोल पाता है, वो बोलेगा शायद मैं सोच के बोलता हूँ. तो समझ के बोलते हैं, आपको समझ जाएगा कि ये जो है शायद उतना परफेक्ट नहीं बैठा. तो आप वापस से स्विच हो जाओ कंफर्टेबल एनालिसिस, फिर एक दो कंफर्टेबल एनालिसिस करो और वापस से एक गूगली. तो ऐसे कर करके आपने सीखना है. लेकिन अगर पहला एनालिसिस आपने नेगेटिव बोल दिया तो उसका पूरा टोन नेगेटिव सेट हो जाएगा और बाद में वो आपको हाँ कभी बोलेगा ही नहीं. और उसने हाँ नहीं बोला मतलब आपका सेल नहीं हुआ. आपका हाँ नहीं बोला मतलब कुछ फायदा नहीं ना उस एनालिसिस का. भले आपका एनालिसिस करेक्ट है लेकिन उसने हाँ बोलना भी उतना ही जरूरी है. और आदमी हाँ तब बोलता है जब उसके ना प्रैक्टिकल एग्जांपल उसके नजर के सामने होता है कि एग्जैक्टली उसके साथ होता क्या है ना. जैसे अभी कि कोई तो भी था, नवयुग नाम का इंसान है हमारे साथ. तो नवयुग को, नवयुग ने फोन किया और मैंने उसको, उसने बोला दांत में दर्द है मेरे. तो मैंने उसको एग्जैक्टली बताया कि दांत में कौन से साइड पे उसको दर्द हो रहा है. तो उस समय पे वो फैन हो गया ना फिर, मतलब. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको वो टू द पॉइंट आंसर करना, टू द पॉइंट एनालिसिस करना. पहले 5-6 एनालिसिस, उसके बाद आप कुछ भी बोलो वो इंसान आपको सपोर्टिव हो जाता है. फिर आपको मदद करने के मूड में आता है. फिर आपका एनालिसिस गलत भी होगा ना तो भी आपको वो मदद करता है. बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है. अरे भाई ऐसा नहीं है, आप जो बोलो बराबर है लेकिन उसको ऐसा बोलोगे तो मेरा लाइफ में ऐसा होता है. तो आपका आधा से काम, ज्यादा काम उधर हो चुका है. ठीक है, ओके. ओके, काफी लोगों के कमेंट आए. ईशान का कमेंट आया है, नीतू का कमेंट आया है. ओके, या इट कैन इवन स्पीक न्यूमरोलॉजी एंड एट टाइम्स कुंडली एज वेल. मेरी भी तो आज कुंडली देखी आपने, अलका. थैंक यू, थैंक यू. चलो और कुछ? मेरे लिए यही आह मोमेंट है. ऑसम.
यस सर, जैसे आपने बोला ना कि योगा और मेडिटेशन करना है, हाँ हाँ, ये कोई मैं ही हूँ हेल्थ इश्यू से मतलब स्ट्रगल कर ही रहा हूँ, तो वो तो मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि अपने को करेक्ट करूँ ग्राफोलॉजी सीख के, अगर मैं ऑलरेडी स्ट्रगल कर ही रहा हूँ और मैं फिर कैसे योगा मेडिटेशन मतलब मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो ये तो मेरे लिए डबल नेगेटिव हो जा रहा है। नहीं नहीं, ये आप हैंडराइटिंग में से अगर आपका आपसे अगर योगा मेडिटेशन नहीं हो रहा है ना, तो हैंडराइटिंग में टी क्रॉस बार का प्रैक्टिस करो आप, टी क्रॉस बार और टी अगर आपने अच्छा कर दिया ना, तो आपको आपको आप रेगुलर हो जाओगे, तो दो तीन महीने में आप कोई भी चीज करो। आप में से कितने लोगों ने ट्राई किया ये थेरेपी टी क्रॉस बार का? तरुण जी आपको दिया था मैंने, आपने ट्राई किया? यस सर। आप रेगुलर हो गए काफी सारी चीजों में? हाँ हाँ। कोई भी आप मतलब मेरे सामने, मेरे घर के सामने एक व्यक्ति है जो अपने क्लास में भी है, अरुण नाम है उनका, अगर अरुण आज नहीं ज्वाइन किया तो अरुण को भी मैंने थेरेपी दिया, अरुण भी रेगुलर हो गया। मतलब आप कोई भी इंसान अगर ये प्रैक्टिस रेगुलरली कर लेता है एक बार और उसका टी क्रॉस बार कंसिस्टेंट हो जाता है, तो वो कुछ भी करे उसमें वो रेगुलर हो जाता है। तो अगर आपका योगा मेडिटेशन रेगुलर नहीं हो रहा, तो हैंडराइटिंग सॉल्यूशन है। योगा मेडिटेशन किस लिए बोला मैंने आपको, अगर इसमें से पैसे कमाने हैं तो, अगर आपको अर्निंग करना है इसमें से, तो आपको योगा मेडिटेशन करना पड़ेगा, उसके सिवा आप इसमें से पैसे नहीं कमा पाओगे। सर योगा मेडिटेशन नॉर्मल मेडिटेशन ना सर, जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं, जो हाँ? योग करते हैं मेडिटेशन करते हैं, वही सर बोल रहे हैं ना आप? यस हाँ जी। तो क्या करना है मेरे को भी बता दीजिए, मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आगे चला जाएगा। अलका जी आप कोई भी मेडिटेशन करो, एक आधा घंटा मेडिटेशन करो, नहीं होता, नहीं बैठ होता, दिमाग इतना ज्यादा फास्ट भागता है क्या? तो ग्राफोलॉजी का प्रैक्टिस करो, जो टी नाम का एक कॉन्सेप्ट है, टी आप पढ़ाई कर लो, टी का चैप्टर है। Okay. उसमें वो अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपके स्वभाव में ना स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी okay. आती है। तो उसके साथ आप कुछ भी करते हो ना, कुछ भी करो लाइफ में, आप सक्सेसफुली होते हो। जिसका टी क्रॉस बार अच्छा है वो आदमी आई जिंदगी में सक्सेसफुल ही होता है, कुछ भी करे वो। व्हाट इज द थेरेपी ऑफ टी क्रॉस बार? क्या बोल रहे हो? व्हाट इज द थेरेपी ऑफ टी क्रॉस बार? वो हम लोग करेंगे अभी स्टेप बाय स्टेप, अभी आज तो अभी बहुत बड़ा थेरेपी है। लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था हम लोगों ने, आपको मतलब वो मैं आपको एक क्या बोल सकते हैं उसको, अपने वीडियोस में भी है, डिस्कस भी हुआ है। उसके बावजूद मैं क्या करूंगा, मैं एक्स्ट्रा वीडियो कल ऐड कर दूंगा, कल नहीं, एक तीन चार दिन में एक वीडियो ऐड कर दूंगा जिसका टी क्रॉस बार थेरेपी के नाम के अंडर उसको ऐड कर दूंगा, ताकि आप सब लोग उसको देख के अपना अपना थेरेपी चालू करो एटलीस्ट। ठीक है, देखो म्यूट करो, कोई तुम्हें मार्केटिंग का जॉब देख रहा है। ठीक है सर, वी कैन यूज दिस थेरेपी इन किड्स एज वेल? किड्स के लिए देखो, सबसे इजी थेरेपी है किड्स के लिए उनके पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स अच्छे बन जाते हैं तो किड्स अपने आप अच्छे बन जाते हैं। तो अगर किड्स में बदलाव चाहते हो तो खुद बदलो, बिलो 14 इयर्स ऑफ एज देयर इज नो पॉइंट, वो आपके जैसे बनेंगे, कितना भी ट्राई करो वो बनेंगे तो आपके जैसे, या फिर ऐसे इंसान के जैसे जिनको वो पसंद करते हैं। तो हो सकता है उसके पसंद वाले आदमी आप हो या कोई और हो, तो ऐसा हो जाएगा। ओके, व्हाट एल्स, और कोई सर? हाँ बोलिए अमिता जी। सर एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी दैट यू टू दिस एनालिसिस वगैरह आज जो किया, मैं वही जानना चाहती थी कैसे करना है एनालिसिस, तो अनफॉर्चुनेटली द फर्स्ट हाफ मेरा चूक गया है, तो आप प्लीज अगर लिंक भेज देंगे तुरंत तुरंत, हाँ, और मुझे लिंक दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। अपने अपने वो ये ग्रुप है ना अपना ऑनलाइन ग्राफोलॉजी का ग्रुप है, okay. मैं आपको लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे ये मिल जाएगा, आज तुरंत मिल जाएगा, इमीडिएट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएटेड योर स्पोर्टिनेस फॉर द, क्योंकि मैंने काफी रफ एनालिसिस किया आपका, जनरली मैं ऐसा करता नहीं, No, but I was also straightforward in saying yes or no. अरे आपके साथ ऐसे ही करना पड़ता है, नहीं तो आप हाँ नहीं बोलोगे। So, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि किस इंसान के साथ कैसा। See, अभी अमिता जी का जो कैरेक्टर है ना वो बहुत डोमिनेटिंग है, ठीक है, तो अगर आपने इनको इंच भी दिया तो वो आपको बोलने नहीं देंगे, तो उनके साथ एनालिसिस इतना कड़क कर लो कि उनको लगेगा कि मैं ना बोलना उनके लिए मुश्किल होना चाहिए। तो ऐसे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे इंसान को, यस आप सबको, कैसे इंसान को किस तरह का एनालिसिस सूट करता है। आपको समझ जाएगा कि ये इंसान के साथ अगर मैं सॉफ्ट आवाज में बात किया तो इंसान मेरी दाल नहीं गलने देगा, तो वहां पे आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जहां पे इंसान सॉफ्ट है उसके साथ बहुत प्यार से एनालिसिस करो, वो हर चीज को हाँ बोलने वाला, और जो इंसान आपका एनालिसिस नहीं मानने वाला आपको पता चल गया ना, उसको बोलेगा मैं आपको एनालिसिस नहीं करने वाला, बोलेगा क्यों क्यों क्या प्रॉब्लम है, वो आपके चेहरे पे दिख रहा है वैसे भी आप ना बोलने वाले, तो करके क्या फायदा।
तो फिर क्या होता है, फिर वो आपको इंसिस्ट करेगा, आपको इंसिस्ट करेगा तो उसको आपके एनालिस्ट को हाँ बोलना पड़ेगा. ऑलवेज हैव दिस राइट इन योर हैंड कि किसको हाँ बोलना है किसको ना बोलना है. अरे हम कर रहे हैं ना, हमारा चॉइस है राइट. तो यू आर नॉट ऑब्लिग्ड टू डू द एनालिसिस ऑफ द पीपल हु आर नेगेटिव, हु आर नॉट इन सपोर्टिव ऑफ यू, हु वॉन्ट्स टू यू नो डोमिनेट यू व्हाइल डूइंग द एनालिसिस. डोंट डू इट. जो आपके सिखाने के चक्कर में, उनको तो बिल्कुल मत करो. उनको बोलेगा ठीक है सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग योर एनालिसिस, आई एम नॉट गेटिंग राइट वाइब्स फ्रॉम दिस सैंपल. खत्म बात. वो इंसिस्ट करते तो वो बोल देना डायरेक्ट फिर कि अरे दिस इज आपके चेहरे पे है कि आप तो वैसे भी एनालिसिस एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्या फायदा एनालिसिस करके भी. ठीक है. अच्छा और कोई अहम मोमेंट आप लोगों का जो बाकी लोगों की अंडरस्टैंडिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करे, जो उन्होंने मिस कर दिया पॉइंट? फॉर मी टूडे लाइक I have a moment or like I have learned that we should not try to control, but we can channelize to get our things done, and we can traverse through the person's mind. Awesome. And we can do our analysis perfectly. Very nice. क्या थोड़ा explain करेंगे? मेरे को थोड़ा समझा नहीं, बाकी लोगों को भी शायद समझा नहीं रहेगा. क्या exactly बोला? नहीं, normally like in our day-to-day life also like as a person or individual we try to control everything, our relationship, our situation or our problems and all. So what I have learned today is like instead of controlling, let us channelize. Okay. So we will not stress ourselves and we can also win over the situation. अच्छा तो ये कहाँ से पता चला आपको, कहाँ से connect हुआ? Like the way we were talking about the like various margins, left margins and the top margin and all. What we are trying to do is like we are not trying to control anything. We are drawing our analysis and we are trying to channelize. Correct. Very true. जो है उसका analysis है, अच्छा है बुरा का कुछ concept ही नहीं. Right. Great. And I think if we apply this thing in our personal life also, as we leave controlling things but channelize everything, every relationship, yeah. every situation, we will be more ease in life. Very true. Very true. Great. Anyone else wants to contribute with their learnings of today? See, I want all of you to talk because you know, आप सबका एक दूसरे से जो लेन-देन होगा ना, उसमें से आप ज़्यादा सीखो. Yes. Sir. Yeah. Narendra this side. सर एक कंफ्यूजन है बहुत देर से, आपके दोनों हाथों में घड़ियां हैं, व्हाट इज द रीजन? अरे ये मैंने नया परचेस लिया है और ये जो है वो मेरा पुराना है, तो मैं ऐसे व्हाई टू वेस्ट द अपॉर्चुनिटी ऑफ वेयरिंग बोथ. आई थॉट कि नहीं, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, मैं रिस्ट वॉच अनलेस से सिखाता हूं, है ना. तो ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा है मेरा एक नए थ्योरी के ऊपर, तो इस हिसाब से मैंने ये भी पहना और ये भी पहना, तो लेट मी सी कि क्या रिजल्ट आता है, फिर मैं मेरे उस लोगों को सिखाऊंगा वापस. राइट राइट राइट. Thank you. थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग. Right. और कोई थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगा कोई अपने स्टडी के साथ, अपने रीडिंग के साथ ग्रुप में? सर, the best part of you is like this course is that you teach us how to analysis, not just knowing the knowledge, even how to tell the other person. You know, that's really nice. आगे आगे आपको ये पता चलेगा, मतलब बहुत सारी चीजें आपको बहुत मतलब सेल कैसे करना है, बहुत सारी चीजें इसमें, मतलब इट्स लाइक यू नो धीरे धीरे मैं सभी चीजें आपके सामने राज खोलूंगा कि क्यों इतना सक्सेस रेट होता है एनालिसिस का, क्यों इंसान पैसे देता है, क्या बोलना क्या बोलेंगे तो पैसे देता है एनालिसिस करते समय. नो वी चार्ज 10,000 रुपीज फॉर वन सीटिंग, तो एक घंटे का एनालिसिस का 10,000 रुपये आदमी क्यों देता है? क्योंकि वो एनालिसिस में हमने उसकी दुखती रथ पे हाथ डाला रहता है, तो दुखती रथ पे हाथ कैसे रखना है वो मैं आपको सिखा दूंगा, ताकि आपको भी 10-15,000 रुपए मिलेगा एक सिटिंग का. क्योंकि थेरेपी तो मैंने आपको सिखा दिया क्या देना है, उसमें चेंज नहीं करना है, हाली अभी आपको प्रॉब्लम अच्छे से आइडेंटिफाई करना है. जिसने प्रॉब्लम अच्छे से आइडेंटिफाई है उसको ही पैसा मिलता है, याद रखो. पैसा आप इस इंसान को नहीं देते जिसके पास सोल्यूशन अच्छा है, पैसा आप उस इंसान को देते हो जो आपका प्रॉब्लम आपको पकड़ के बताता है कि ये आपका प्रॉब्लम है. डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, डायग्नोसिस अच्छा होना चाहिए. सोल्यूशन तो मैंने देख रखा है ना, उसमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं. वही सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करो हर जगह आंखें मूंद के, उस आदमी को तो रिजल्ट आने ही वाला है. मैं एक ही नॉलेज को 10 बार यूज करके मैंने 1,00,000 रुपए कमाया, क्योंकि सोल्यूशन वही देता हूँ मैं, खाली प्रॉब्लम जो है वो परफेक्ट एनालिसिस होता है. सोल्यूशन सबका एक ही है, मतलब 2-4 ही है, 10-15 बस खत्म. इधर इधर दो देना, इधर दो देना, उधर दो देना, इधर एक देना, खत्म. एनालिसिस अच्छा होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम हैज टू बी द बेस्ट.
Okay, so thank you very much, all of you. If I don't think कोर्स ज्वाइन करने से पहले I was like कई बार सोच रहे थे ज्वाइन करें कि ना करें, पर अब लग रहा है कि बहुत अच्छा करा ज्वाइन करके सुधीर सर को. We are really blessed to have you as our mentor, our guide, our master. So we are blessed, sir. Thank you very much. और जो आपको बाकी कोर्सेज में नहीं मिलेगा वो सब इसमें मिलेगा, या स्पेशली एनालिसिस स्किल्स, सेलिंग स्किल्स और यू नो हाउ टू डू अ गुड बिजनेस आउट ऑफ इट. पर याद रखो, जिसका इंटेंशन अच्छा है, जिसका इंटेंशन मदद करने का है, जो स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन और अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन ये सब चीजें करता है, वही इंसान इस क्षेत्र में बड़ा बन सकता है. बाकी सब लोग आएंगे और उनका डिफॉल्ट प्रोग्राम रन होगा, आपको आप पैसे के लिए काम करोगे और नष्ट हो जाओगे, आपका धंधा नहीं चलेगा. तो मैं इसीलिए मेरा सपोर्ट सेशन है एवरी मॉर्निंग, मैं आप सभी लोगों से मेडिटेशन वगैरह करवाता हूँ. मेरे हिसाब से सम्राट जी वहाँ पे है, रेगुलर आते, पिछले 25-30 दिन से रेगुलर है वो. तो आप भी उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो. 5:15 पे ये सेशन चालू होता है, आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक भी पैसा नहीं देना है. कौन से किसी ग्रुप को, ग्रुप ज्वाइन करना है सर हम लोग को? हाँ, ये ग्रुप ज्वाइन करना है मीनाक्षी जी, मैं आपका वापस लिंक आपको ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है? तो कल सवेरे भी 5:30 होगा. आप सभी, हाँ जी सर, तो यहाँ पे मैं आपसे एक्सरसाइज भी करवाता हूँ फिजिकल, और मेडिटेशन भी करवाता हूँ, अफर्मेशन भी करवाता हूँ, सभी चीजें होती है इसमें, डांस भी होता है थोड़ा बहुत. तो आप आइए, बहुत मजा आएगा, और यही सब चीजें करके आप इस क्षेत्र में आगे बड़े बन सकते हो. देयर इज नो अदर वे, ठीक है? Sir, we do meditation, we get up at 3:30 and 4. Okay. We do that Brahma Muhurat meditation. Very nice. We follow Brahma Kumaris. बहुत अच्छा. जो लोग physically fit नहीं है, उनका meditation का value भी बहुत कम हो जाता है, बहुत low हो जाता है, ठीक है? क्योंकि वो बैठ नहीं पाते ना comfortably, तो automatically mind है ना उधर body में चला जाता है. जो इंसान 2-3 घंटा बैठ नहीं पाएगा शांति से, उसके मेडिटेशन का इश्यू बहुत ज्यादा होता है. वो उसको लगता है वो मेडिटेशन कर रहा है, पर उसका माइंड जो है वो बॉडी में अटक जाता है बार बार, ठीक है? तो फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है, याद रखो. जी शैलेश जी, कुछ कहना है आपको? दिस मॉर्निंग सेशन आई विल बी सेंडिंग लिंक ऑन द ग्रुप. हाँ, अभी मैं अभी तुरंत भेज देता हूँ ग्रुप पे, आप उसको ज्वाइन करो. और उस ग्रुप पे मॉर्निंग में लिंक आता है 5:15, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो सेशन. ओके, ठीक है? वो लाइव रहता है कि रिकॉर्डिंग भी रहती है? मेरा तो रात के 10:30 होंगे. मैं रिकॉर्डिंग